सीनिया, आप कौन है? जी, मेरा नाम जीनिया सती है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सदीक खान, जो कि ब्रिगेडियर होते थे। बाद हमारा जो इलाका है पाकिस्तान में वो कहूटा कहलाता है। फ्रेश स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी एक स्कूल है बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स में, अमेरिका में। सो वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसका नाम ब्रांट साइमनसन है। आपके जो हस्बैंड थे ब्रांट साइमनसन, तो वो नेपरा में ही कंसल्टेंसी कर रहे थे दुरानी साहब, वो जो बाद में आईजी खैबर पख्तूनख्वा बने। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ ऐसी हरकत की, मैंने लाहौर का टिकट लिया और मैं वहाँ पे रजा काजम एक लॉयर होते, नेवल चीफ अजीज मिर्जा वो हमारे रिश्तेदार हैं। जब रजा के भी ये हुआ, डॉक्टर ताबिश के भी ये हुआ, हमारे अम्बेसडर होते थे राजा त्रिदेव रॉय, उसके बाद उनकी टांगें टूट गईं। वो फौजियों ने तो सुनने में आया है नहीं कि वो कोई डांगरियां पहने हुए सिक्योरिटी गार्ड थे केआरएल एरिया में, वो बर्ड वॉचिंग कर रहे थे। और हम तो बॉडी का बॉडी हमने क्रीमेट कर दी है, क्रीमेट कर दी। अब जाहिर है कि हमारी मिलिट्री, यूएस एम्बेसी ने कहा कि वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में मेजर था और यहाँ पे स्पाइन करने आया था और मेरी शादी को एज़ अ कवर यूज़ कर रहा था और उसका इंटरेस्ट कहूटा में था। साइमा मोहसिन जो मुझे रेंट दे रही थी उससे कई ज़्यादा उसने ऑफर किया था। वो और मुसद्दक मलिक, ये दोनों मुझे अमेरिका में उस बंदे की माँ के साथ मिलने आए। बच्चा 5 साल का था, बच्चे ने मुझे सब डिटेल्स में बताया। उसके बाद ये ड्रॉ भी करते हैं बड़ा अच्छा, तो इसने ड्रॉ भी करके बताया कि डीसी में मुझे लॉयर ने फ़ोन किया कि मैं आपका केस लूँगा, मेरिन गॉडफ्रे ने, उसने केस ले भी लिया, वॉशिंगटन डीसी के कोर्ट में डाला। तो वो और पुलिस मुझे कह रही है कि तुम्हारा ससुर CIA में काम करते हैं, विलियम साइमनसन, वो जिसको शीरीन मजारी लिख रही थी कि अल्लाह हर पाकिस्तानी लड़की को ऐसा ससुराल दे। अब मुझे लॉयर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, हर कोई छोड़ रहा था, मेरे से फीस भी वसूल करके छोड़ रहा था, वही जो पाकिस्तान अमेरिका में। पता चला कि मैरिन गॉडफ्रे जिस लॉ फर्म से है, एकिन गंप स्ट्रॉस एंड हाउसर, उसका जो प्रेसिडेंट है वो जॉर्ज बुश की फॉरेन इंटेलिजेंस कमेटी का सरबरा है। ये कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा किया मुसलमान? ये अब्दुल करीम खान नियाजी, इसका नाम है, एल्डेस्ट सन ऑफ अब्दुल रहमान खान नियाजी, हुज PTI MPA पंजाब असेंबली फ्रॉम मियांवाली, इज कजन ऑफ इमरान खान। तो बराक ओबामा ने इसको सर्टिफिकेट भेजा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। वो इस किस्म की प्रेजिडेंसी थी जो बच्चों के लिए बड़ा टाइम गुजारती थी। तो मैंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को खत लिखा हुआ था कि अगर मेरे बच्चे का केस पुलिस ने ना इन्वेस्टिगेट किया और मुझे लीगल प्रोटेक्शन मेरे चाइल्ड को ना दिया आपने, तो मैं वाइट हाउस के बाहर आके अपने आप को आग लगा दूंगा। ये अब्दुल करीम खान नियाजी जो है, ये बेटा है एक मेरी एक बड़ी मरहूमा बहन का, तकरीर निकाल दिया। जावेद अख्तर कौन है? वो प्रॉपर्टी डीलर है जिससे अब्दुल करीम खान नियाजी ने साज बाज करके मेरा घर एक कोर्ट केस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में खुद डिफेंडेंट बन के हार के उसको दे दिया। जिस जज ने मेरा घर मुझे दिया, जस्टिस एजाजुल एहसन एंड जस्टिस याजा आफरीदी, उन जजिस के ऊपर PTI की डेमोंस्ट्रेशन में तस्वीर रख के जूते मारे गए। मुखालफीन के लिए काम कर रहा था, केस हार गया। और अमरीन इकबाल चौधरी ने हुक्मनामा लिखा कि ये घर वाकई गिफ्टेड है, कोई गिफ्ट नहीं। कैसे आपके हक में फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का? तो अमृता विद्याल ने जी, अब टाइम बाट थी उसका रिव्यू, तो वो तो नहीं आपके मुखालफीन का जी। तो वो कौन था रिव्यू जिसने दायर किया, किसके नाम से हुई? वो जावेद अख्तर जो प्रॉपर्टी डीलर है, ए ग्रेड लिया, स्ट्रेट सारे, और जिस सब्जेक्ट में लिया उसने पूरी दुनिया में चंद दर्जन ही कैंडिडेट थे, क्योंकि वो मुश्किल बात है, कौन सा लेना चाहते, इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मैंने रब्ता किया था, वॉशिंगटन पोस्ट का डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है, क्या नाम है इसका, जॉश वाइट, किसने वाइट ये निक्सन के ऊपर जो काम कर रहे थे, बॉब वुडवर्ड ने फोन किया। हाई कोर्ट में मैं अपना केस खुद करके जीती, सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद करके जीती। अब अचानक ये कहते हैं कि नहीं लॉयर लाओ। पहले एक मोहतरमा थी सरकार अब्बास उनका नाम, उसके बाद एक और थे, कोई रहमानी उनका आखिरी नाम है वो, उसके बाद एक और मैं नाम भूल रही हूँ वो कौन था, उसके बाद ये लतीफ़ खोसा साहब जो खुद आ गए थे अदालत से उठ के मैं जीनिया का, ये 7 लॉयर खड़ा था जो कि इनका AOR है महमूद शेख,
उसने कहा यस इट इज़ ट्रू इट हैज़ बीन डिसमिस्ड. तो मुझे मेरे अपने रिश्तेदार जहीरुल इस्लाम साहब अभी जो ISI के DG होते थे वो कहूटा से हैं और मेरी चची के भाई हैं. तो उन्होंने जिस दौरान मुझे सपोर्ट करना शुरू किया उस दौरान हामिद मीर ने कहा कि मुझे गोली इन्होंने मारी कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये ज़किया शाह नवाज के भाई का मामला था ये जो न्याजी है लेकिन FIR कट गई थी न्याजी के घर. इनकी इन्फोर्समेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी पुअर है कि आपने देखा है अब 10 माह हो गया उस लॉयर को डिसिप्लिनरी कमेटी ये नहीं कह पा रही कि तुम स्टेटमेंट अपनी जवाबी जमा करो. किस लॉयर के खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी कमेटी में शिकायत की? महमूद शेख. आज मुनीब जस्टिस मुनीब ने अपने आप को ये कह के रिकूज किया कि रुबीना कजलवाज तुम्हारी बहन है देन आई वॉन्ट बी टेकिंग दिस केस बंच बेंच टूट गया. जुल्फिकार कजलवाज इम्तियाज कजलवाज का बेटा है यकीनन मेरा नेफ्यू है लेकिन जिस तरह नियाजी मेरा नेफ्यू है इसको इस्तेमाल किया गया है मेरी मरहूमा बहन का बेटा है इस तरह क्या जुल्फिकार कजलबाज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह. और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आज मुझे फैसला करने के बजाय नियाजी से मुझे 2 करोड़ जो हाई कोर्ट ने उसे कहा मेंस प्रॉफिट 2 जीनिया को जो इसका किराया बनता है जितनी देर ये यहाँ था वो दिलवाने के बजाय फिर मुझे कहते हैं जॉय लॉयर करो. इनको अच्छी तरह पता है कि मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकती. लेकिन STO के पास गए तो उसने कहा हमने बंद किए हमने इसलिए बंद किए कि आपका बिल नहीं आया था. बिल क्या रोज 1 महीने का 700-600 हमारा क्योंकि एक बल्ब और एक पंखा हम जलाते हैं. नियाजी का बिल बना के सब कुछ बना के भी वो नियाजी का बिल क्या मतलब वो जब घर की पोजेशन मुझे दी तो बिजली का बिल मेरे ऊपर छोड़ गए. यहाँ पे बिस्तर नहीं है यहाँ पे बैठने को शायद कुर्सियां भी पूरी नहीं है और पानी भी नहीं है यहाँ पे MJ TV. आज हमारे साथ जो 2 मेहमान बैठे हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी इतनी पुरस्कार है और इतनी दिलचस्प है और अगर ये कहा जाए कि इतनी अफसोसनाक है तो गलत ना होगा. ज़ीनिया सत्ती जो मेरे साथ बैठी हैं एक बहुत ही मारूफ लिखारी हैं राइटर हैं रिसर्चर हैं और उनके साथ उनके बेटे 26 साल राजा शाहजेब खान पाकिस्तान में एक तवील अरसा रहे मगर इसके दौरान अमेरिका में भी ज़ीनिया सत्ती रही हैं. इनकी शादी एक अमेरिकी शहरी से ही हुई. वो शहरी कौन था? इनके वालिद जो थे वो आर्मी में एक ब्रिगेडियर थे और इनके वालिद की डेथ कैसे हुई और फिर यहाँ इस्लामाबाद में एक घर के अंदर जो इनका विरासती घर था इनके वालिद की छोड़ी हुई जायदाद में इनका हिस्सा था उसके ऊपर एक तवील कानूनी जंग जो इन्होंने लड़ी वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी वो हतमी फैसला उसका नहीं हो पा रहा और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होता रहा कौन कौन से जजेस ने इनका केस सुना और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में ये उनकी विरासत का जो हिस्सा था जायदाद में इनको दिलवा दिया मगर इनके साथ अभी भी क्या हो रहा है ये वो पुरस्रारियत है जो खुद ज़ीनिया सत्ती ही बताएंगी. हम आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे ज़ीनिया सत्ती की कहानी ज़ीनिया सत्ती की ज़ुबानी. जी ज़ीनिया सबसे पहले तो ये बताएं आप हैं कौन और नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि ये कहानी जो है वो किस्तों में आपको दिखाई जाएगी और शायद ये किस्तें बहुत सी हों मगर इस कहानी के अंदर जो पुरस्कारियत है वो यकीनी तौर पे तमाम पाकिस्तानी शहरियों पाकिस्तान की हकूमत पाकिस्तान के इदारों और फिर अगर ये कहा जाए कि अमरीकी हकूमत अमरीकी शहरियों और अमरीका के इदारों के लिए भी बहुत सबक आमोज है तो गलत ना होगा. तो ज़ीनिया सत्ती आप बताएं आप कौन हैं और आप कहाँ पैदा हुई कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है
आपकी फैमिली क्या करती है, क्या करती रही हैं, और फिर उसके बाद हम आपको लेके आपकी जिंदगी के सफर पे एक बार फिर रवाना होंगे। जी सीनिया, आप कौन हैं? जी, मेरा नाम सीनिया सती है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सदीक खान, जो कि ब्रिगेडियर होते थे पाकिस्तानी फौज में, लेकिन बहुत पुराने ब्रिगेडियर। इनकी पार्टीशन के बाद हमारा जो इलाका है पाकिस्तान में वो कहूटा कहलाता है। अब उसकी 3 तहसीलें बन गई हैं, मरी, कहूटा, कोकी, सतियाँ। किसी ज़माने में हम उसको रेफ़र करते थे सिर्फ एज कहूटा। कहूटा में आप जानते हैं कि हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने रिसर्च सेंटर्स के लिए उसको मुख्तस कर दिया था। हमारे इलाके के लोग, हालांकि वो बड़ी खूबसूरत जगह है, आज भी फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी वजह से पूरा पाकिस्तान महफूज है। कभी भी उन्होंने इस बात की शिकायत नहीं की कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर दिया, हम टूरिज़्म नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते। फ़ख्र से कहते हैं कि हमारी वजह से सारे रसूल पाक की आल में से एक अहम मुल्क जो है हमारी ज़मीनों की वजह से महफूज है। तो इस किस्म की वहाँ पर ज़हनियत है। वहाँ से ज़्यादातर अफराद जो हैं वो फ़ौज में ही जाते हैं और बड़े बड़े जनरल वहाँ से। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी इस वक्त तो सिर्फ 2 ही बड़ी बहनें हैं जिंदा, 2 फौत हो गई मेरी शादी के बाद, और मेरा एक भाई है। तो अभी 3 सिबलिंग्स हैं मेरे बड़े सिर्फ। ठीक है, मैं तो सबसे छोटी हूँ अपने घराने में। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, पाकिस्तान में कितना अर्सा गुजारा, क्या पढ़ा, और फिर अमरीका भी आप गई क्यों? जी, मैं सारी उम्र ही पाकिस्तान में पढ़ी। पाकिस्तान में मास्टर्स करने के बाद किस सब्जेक्ट में? आप हिस्ट्री में, इसमें उसके बाद मुझे फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, एक स्कूल है बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स में, अमेरिका में वहाँ दाखिला मिला। तो वहाँ मैं MALD MALD मास्टर ऑफ आर्ट्स इन लॉ एंड डिप्लोमेसी की डिग्री हासिल करने के लिए गई। वो डिग्री मैंने हासिल की। कौन से साल? 1989 की मेरी क्लास बनती है। लेकिन फ्लेचर में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी एकेडमिक क्लास जिसमें आपने डिग्री लेनी होती है, एक आपकी सोशल क्लास जिसमें आप उठते बैठते हैं। वो इसलिए कि अक्सर लोग एक सेमेस्टर देर से आते हैं तो फिर उनका जो है 2 सालों में पाऊँ, एक इस साल में एक इस पाऊँ में, तो मैं उनमें से एक थी। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, सितंबर में। मगर क्या ये स्कॉलरशिप थी या आप अपने वालिद के खर्चे पे गई थी अमेरिका? जी नहीं, मुझे कर्ज हस्ता मिला, मेरे वालिद के पास इतने रकम नहीं थी। जब मुझे वहाँ पे दाखिला मिल गया तो मेरे वालिद तो बड़े परेशान हुए, लेकिन उस ज़माने में हुकूमत ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कर्ज हस्ता की, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। जब वो मुझे मिल गया तो वो ज़्यादा नहीं था, उसमें सिर्फ एक सेमेस्टर ही की फ़ीस थी। लेकिन अच्छा, मैंने अपने वालिद को कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं वहाँ जाके वर्क स्टडी प्रोग्राम्स होते हैं उसके ज़रिए कमा लूँगी। वो बड़े परेशान थे कि बहुत महंगे स्कूल है। तो आपके वालिद फौज में किस महकमे में थे और कहाँ पे? इसका जवाब तो मैं बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल में वो 14 पंजाब में थे, क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले ही वो फौज से फारग हो गए थे। और उस ज़माने में 1951 में एक केस जाना जाता है रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के नाम से, उसमें एक फ़ौजी जो नहीं थे फैज़ अहमद फैज़ वो भी शामिल कर दिए गए थे, एक और फ़ौजी जो नहीं थे सज्जाद ज़हीर वो भी शामिल कर दिए गए थे, बाकी जो फ़ौजी थे ब्रिगेडियर लतीफ़, जनरल अकबर ने तो किताब भी लिखी है रेडर्स इन कश्मीर उसके बारे में। इन लोगों को ये इल्ज़ाम इन पे दिया गया था। आपके वालिद पे भी? जी, मेरे वालिद पे भी, वो उनमें शामिल थे। ये कश्मीर में 1948 की जंग लड़ रहे थे और मेरे वालिद ने पुंछ का इलाका आज़ाद कराया। इनके साथ जो होते थे कर्नल हसन, जो इसी केस में धर लिए गए, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आज़ाद कराया। इसी तरह से जनरल अकबर इनके कमांडर होते थे, वो उस वक्त भी जनरल थे। तो जनरल डगलस ग्रेसी ये चाहता था कि जो UN में मामला चला जाए, क्योंकि ये तेज़ी से जीत रहे थे, कश्मीरी सारे साथ थे ना जी इनके। तो जनरल ग्रेसी जो थे वो सब पाकिस्तान के भी, वो CNC थे, अफवाज पाकिस्तान के भी इंडिया के भी दोनों के। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये जीतते चले जा रहे हैं, और GHQ का एक आना भी खर्च नहीं हो रहा था उस जंग के ऊपर, क्योंकि ये सब लोग वहीं से, मेरे वालिद ने उनकी एक किताब में लिखा हुआ है कि वो उन्होंने हिस्ट्री बनाई गुरेला वॉरफेयर में। किस किताब का नाम है? अब उसका नाम तो नहीं, यहाँ पढ़ी होती थी वो न्याजी सब चुरा के चले गए जी यहाँ से, जब उन्होंने इलीगल पोजेशन ली मेरी सारी। अच्छा, किताब उसमें आएंगे आगे तो जाके। खैर,
तो आपके वालिद ने किताब लिखी? नहीं, उन्होंने किताब नहीं लिखी जी, उनके ऊपर लिखी गई जीएसक्यू में एक बुक लिखी गई है जिसमें उन्होंने वहां से कॉबलर जमा किए पुंछ वैली से और उनको कहा कि हमारे जूते सियोगे, जब हमारे जूते फट जाते हैं हमारे लिए जूते बनाओ। तो सब कॉबलर्स ने कहा जी हम आपको ऐसा जूता बना के देंगे जैसा कि आपका अपना मिलिट्री की तरफ से इशू हुआ है। और अपेरेंटली यही किया उन्होंने, उन्होंने जूते वहां से, उन्होंने सारा अपना यूनिफॉर्म वहां से, और फिर वहां पे बाबाए पुंछ जिन्हें कहते हैं उन्होंने इनके लिए एक मूवमेंट शुरू की, घरानों को कहना शुरू किया कि ये हमारी आज़ादी के लिए लड़े हैं, तो मुट्ठी भर आटा जब आप थैली खोलते हैं तो इनके लिए भी एक तरफ डालें और डोनेशन दें, तो वो पांच से सब कुछ राष्ट्र। तो आपके फिर वालिद ने क्या बताया कि वो साजिश में, क्या साजिश थी जिसमें उनको मुलव्वज़ किया गया? मेरे ख्याल में पहले तो जब इनके साथ इतनी ट्रेजेडी हुई कि सारे भरपूर जवानी में एंड फॉर डूइंग देयर जॉब वेल जब धर लिए गए तो इनको खुद नहीं पता था कि इनके साथ क्या हुआ है, सिवाय इसके कि इनको कहा गया कि आपको कहा था कि ख़त्म करेंगे जान, लेकिन आप जारी इसको रखें तो इनसबॉर्डिनेशन में रहा। तो ये 1951 में जो साजिश थी उस साजिश में इनको मिला, इनको कहा गया कि आप साजिश कर रहे थे हुकूमत का तख्ता उलटने की, इसलिए आपको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो ये सारे वो जेल में भी रहे जी, वो जेल में रहे, वहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ ने बड़ी पोइट्री लिखी, ज़फ़रुल्लाह पोशनी इनके साथ थे, उन्होंने बड़ी किताब भी लिखी। और तो फिर अल्टीमेटली हुआ कि हमको छोड़ दिया गया, रिटायर कर दिया गया? नहीं, उसके बाद अयूब ने मार्शल लॉ लगा दिया, वो एक और वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, उसमें ये सारी बात इनको फिर बरी कर दिया गया, इनके खिलाफ कुछ भी। तो इनको पेंशन मुराद मिली? नहीं जी, इनको पेंशन सब के सब प्यूनरी में चले गए। प्यूनरी इतनी ज़्यादा गुर्बत कि इनको पेंशन, एक तो ये ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दी थी, तो ये इनको MCs मिले थे, मिलिट्री क्रॉस, लेकिन जब पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान की तो इनके लिए बरतानिया की हकूमत ने पाकिस्तान की हकूमत को पैसे दिए कि आप इसमें से इनको पेंशन देना चाहते हैं तो दें। अपनी तरफ से बरतानिया ने इस तरह से हाथ धोए कि हमने मॉरल काम किया, क्योंकि सल्तनत बरतानिया की जंगें लड़ी इन्हें, मगर फिर इनको नहीं मिली। लेकिन फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इनको पैसे देने के बजाय, इनको पेंशन देने के बजाय कुछ और करने का सोचा, तो वहाँ से भी इनको पेंशन नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा होगा कि हमारी फौज में है तो हम पेंशन देंगे इनको, बरतानिया की पेंशन क्यों देंगे। अब वापस आ जाते हैं कि आप अमेरिका चली गई कर्जे हंसना लेके, तो अमेरिका में क्या हुआ? अच्छा जी, अब मेरे वाले साहब जब बाहर आए अपनी जेल से, तो उसके कौन से साल में वापस आए? मेरा ख्याल में 57 की बात है, ठीक है, 58 की बात। अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लग चुका था उनका सारा केस इन लोगों के खिलाफ जो है वो ख़त्म। तो उसके कुछ दो साल के बाद मैं पैदा हुई, तो मुझे जब पाला तो मेरे माँ बाप और मेरे बाप भी थे और घर में सबने इकट्ठे, तो मेरे वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चे उनके पढ़े, लेकिन बाकियों के लिए तो बहुत ही बुरे हालात थे, तो मेरी दफ़ा उन्होंने बहुत मेहनत की। और जब मैं फ्लेचर पहुँच गई तो वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ पढ़ाना भी शुरू कर दिया, पहले ही साल में फ्लेचर स्कूल में मुझे पहले टफ्स में पढ़ाया, उसके बाद हार्वर्ड में पढ़ाने की जॉब मिल गई। तो मैंने उनको खत लिखा कि मैं जैसा आपसे वादा करके आई थी वैसा ही हो रहा है, आप मेरे बारे में कोई फिक्र ना करें। कौन से साल की ये बात है? ये जी 88-89 की बात। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड? सो वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से जिसका नाम ब्रांट साइमनसन है। ब्रांट साइमनसन राइट, ये अमेरिकी शहरी थे? ये अमेरिकी शहरी, वर्जीनिया के रहायशी। कैसे मुलाकात हुई इनसे? पढ़ते थे इकट्ठे फ्लेचर स्कूल में। तो इन्होंने आपसे रब्ता किया या आपने इनसे रब्ता किया, या एक ही क्लास में थे या एक? एक ही क्लास में थे, एक ही कोर्स कर रहे थे। और फ्लेचर जो है वो एक छोटा सा स्कूल है, वो सिलेक्ट स्कूल है, बड़ा ही एलीट स्कूल है, मगर कम लोग होते हैं उसमें, आप सब एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ से हमारा मुलाकात शुरू हुई, उसके बाद मेरी टीचिंग फेलोशिप थी हार्वर्ड में, मैं पढ़ा रही थी और इन्होंने कहा कि मुझे एक्सॉन में जॉब मिल गई है, और ये जो ऑयल कंपनी, और टेक्सास चले गए, और ये ग्रेजुएट करने के बाद बट आप रबते में रही जी। मैं पढ़ाने के बाद वापस जब पाकिस्तान आ गई तो ये फिर पाकिस्तान आए, ये भी पाकिस्तान आ गए, ये मेरे पीछे पाकिस्तान आए अचानक ही, सरप्राइज। कौन से साल में? 1992 का आखिर था, 1992 के आखिर में, यानी कि इन्होंने जो ही अपने ग्रेजुएशन की तो इन्होंने कहा इनको एक्सन मोबिल में जॉब मिल गई है, और फिर ये आपके पीछे पाकिस्तान आ गए। अच्छा, ये एक्सन मोबिल क्या था? ऑयल कंपनी। ओके,
फिर क्या हुआ? बस फिर यहाँ आए तो हमारी शादी होगी, यहाँ पे निकाह हुआ 93 में आई थिंक, उसके बाद अमेरिका में वेडिंग हुई 94 में, और जो ही शादी हुई तो इसके बाद इन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं एग्जॉन मोबिल में काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मेरे बॉस की और मेरी बहुत सख्त तल्ख कलामी हुई है, वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझे निकाल देगा। अगर उसने मुझे निकाल दिया तो फिर सारी उम्र मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके रेज्यूमे पे आ जाता है कि आप फायर हो। तो ये जो एक्सन मोबिल है, आप कभी इनके दफ्तर गई कि ये दफ्तर क्या था? आपको आप कभी दफ्तर के अंदर इनके कोलीग से मिली? क्या था ये एक्सन मोबिल का जो दफ्तर ये कहते थे? कभी भी नहीं। टेक्सस के जिस बिल्डिंग में ये कहते थे कि मेरा दफ्तर है, वहाँ जब मैं कभी उनको लेने के लिए जाती थी तो नीचे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती थी, उसको मैं बताती थी ये नीचे ही आते थे। इन्होंने ऊपर बुला के अपना दफ्तर मुझे कभी नहीं दिखाया। ये कह रहे थे कि मैं वहाँ पे काम करता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को कभी भी अपना दफ्तर एक बार भी नहीं दिखाया। और अपने कोलीग से भी नहीं मिलाया? अपने किसी कोलीग से, वो तो एक दफ़ा रेस्टोरेंट में एक लंच किया तो कहने लगे मेरे, और आपने आपको कहा ये मेरे बॉस हैं, और आपको पहले कह दिया था ये मुझसे नाराज हैं, मुझे छोड़ना पड़ेगा। जी, उस बॉस के साथ लंच करवाया मुझे, और मेरे सामने उस बॉस ने बहुत तल्ख कलामी की ब्रायन साइमनसन के साथ। ब्रायन साइमनसन आपके हस्बैंड के साथ उस वक्त मेरे, ब्रायन साइमनसन, क्या वजह क्या बनी तल्ख कलामी की? मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि इतना रूड क्यों हो रहा है, तो लंच पे इसने क्यों ऑफर कबूल किया, इकट्ठे हम लंच क्यों कर रहे हैं अगर इसने इतनी बदतमीजी। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके बॉस उनसे नाराज हैं, इस वजह से मेरे सामने जो ड्रामा रचाया उन्होंने, उससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये बॉस मेरा बहुत खिलाफ हो गया मेरे, और मैं ये नौकरी छोड़ के। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें कोई और नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे पास इतनी अच्छी तालीम, इतनी अच्छी डिग्री। तो कहने लगे नहीं, मैं नौकरी अब नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ कंसल्टेंट बनूँगा। पाकिस्तान जाने का अचानक प्रोग्राम बना लिया उन्होंने अचानक? अच्छा, उस वक्त नौकरी छोड़ चुके थे, और आपको कुछ ना कुछ जल्दी करना होता है। अब हमने शादी कर चुके थे, घराना बसाया था, हायाटस लंबा नहीं होता, तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ पाकिस्तान जाऊँ। उन्होंने कहा मैं आपके साथ पाकिस्तान जाऊंगा। मैं उस जमाने में कोशिश कर रही थी टेक्सास की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की, लेकिन इन्होंने उसको सेबोटाज कर दिया उस सारे को। उन्होंने कहा नहीं, तुम पढ़ाओगी तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने भी तो कुछ करना है, तो मैं पाकिस्तान में ही वहाँ जाके कंसल्ट। आपको मजबूर किया कि वापस आप पाकिस्तान जाएं, अमरीका में टेक्सास में अपनी जॉब छोड़ के? अमरीका में टेक्सास में मेरी जॉब तो नहीं थी ना, अभी अभी नई नई शादी शुरू हुई थी जी, और टेक्सास में नहीं पढ़ाती थी, बॉस्टन में पढ़ाती थी। ओके, बॉस्टन में, मैसाचुसेट्स में, हार्वर्ड। ओके, तो आपको शादी के बाद हम टेक्सास में थे, तो वहाँ से इन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जब हम आगे मैं कंसल्टिंग फर्म करूँगा, तो फिर कर भी ली इन्होंने। उस जमाने में नेप्रा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, डॉक्टर गुलफराज उसके चेयरपर्सन होते थे, ठीक है, वहाँ से इन्होंने मुलाकात की गुलफराज से, और इन्होंने कहा मेरे पास एक्सन मोबिल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, और मुझे कंसल्टेंट रखें, उन्होंने रख लिया इसको कंसल्टेंट। अच्छा, तो फौरन ही, लेकिन ये कौन से साल की बात है? 1995, ठीक है, वो पाकिस्तान आ गए, आप भी पाकिस्तान, जुलाई 94 मेरे ख्याल में, और बाय द टाइम कंसल्टिंग नेपरा में हो गई थी तो ये 95 शुरू हो चुका। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में आके वो कहाँ रहते थे? पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने कहा कि अभी तो मैं इतना कमाना शुरू नहीं किया, तो तुम्हारे वालदैन के घर में अगर वो इजाज़त दें तो मैं, हम वहाँ रह सकते हैं। यानी ब्रिगेडियर सादिक साहब के, ब्रिगेडियर सदीक साहब रिटायर्ड के घर में, और उस वक्त आपके वालिद हयात थे? मेरे वालिद हयात थे, मेरी वालदा हयात थी, और वो E7 में अपने घर में रहते थे, और उनके पास सब कोई भी नहीं था, उनका घर बड़ा था बहुत। ये साथ ही जहाँ बब्रेरियंस के साथ वाला पोर्शन, इसके साथ वाला 267, ये एक प्लॉट था जिसको बाद में अब डिवाइड किया जी, गया। उस वक्त ये एक बड़ा सा प्लॉट होता था 3 कनाल का। तो अब उस घर में कौन रहते हैं? उस घर में एक अजीबोगरीब शख्सियत है जो मुझे अब समझ आ रही है कि शायद उसका ताल्लुक मेरे खावंद की तमाम हरकत से कोई ना कोई ज़रूर है, क्योंकि घर खाली पड़ा था, लेकिन जब मेरी और मेरे खावंद की शुरू हुई ये टेंशन और मुझे पुलिस के जाना पड़ा, तो उस दौरान ये शख्स आया, ये अफगानी है और ऑस्ट्रेलियन नेशनल है, और ये 2000 में यहाँ आके तो कहने लगा मैं जायदाद ख़रीदना चाहता हूँ, तो हमारे इस घर को मेरी दो बहनें इनकार रही थी बेचने में, उसके बावजूद यहाँ घुस आया। चले, अभी बारह वो एक अलग सा इशू है। अब ये बताएं कि आपके खावंद ने आपके वालिद और आपके साथ आपके घर में उसी जगह पे रहना शुरू कर दिया 1995 में? नहीं जी, जुलाई, मेरे घर में जुलाई 90, एंड ऑफ 94, बिगिनिंग ऑफ 95, बिगिनिंग ऑफ 95। तो फिर क्या हुआ?
वो यहाँ आने के बाद अभी नेपरा में भी नहीं सेटल हुए थे, लेकिन एक चीज उन्होंने करनी शुरू कर दी थी, उसको कहते हैं बर्ड वॉचिंग, यानी परिंदों को उन्होंने देखना शुरू कर दिया था दूरबीन की मदद से। पता नहीं दूरबीन थी कि नहीं, लेकिन परिंदे देखने के लिए सुबह जाते थे। अच्छा। और उनके साथ फिनलैंड के एम्बेसडर भी जाया करते थे कभी कभी, सारा वक्त नहीं। अच्छा। तो मेरी वालदा बड़ी परेशान होगी कि ये तो जंगलात में इधर उधर जाना तो ये तो बड़ी खतरनाक था। ये कौन से मार्गला की पहाड़ियों में जाते थे? मार्गला की तरफ जाते थे। अच्छा। तो वो क्या बताते थे आपको कि वो क्या करने जाते हैं और कितने सवेरे निकलते थे? बहुत सुबह फजर के बाद। और ये 1996 की बात है? नहीं नहीं, 90 एंड ऑफ 94 बिगिनिंग ऑफ 95 की बात। तो फिर किसने ये चीज नोटिस की आपके? कुछ मेरा ख्याल में दो के तीन माह ही गुजरे थे। तीन मेरे वालिद ने इधर मुझसे पूछा कि तुम जब बॉस्टन में थी पढ़ते थे तुम दोनों, तो क्या ये उस दौरान तुम्हें कभी कहा इसने कि मेरे साथ परिंदे देखने जी? तो परिंदे देखने के लिए इसने तुम्हें कभी मधु किया? वालिद आपके पूछ? मेरे वालिद मेरे से पूछने लगे एक दिन, और ये जा चुका था परिंदे ही देखने के लिए। तो हम दोनों नाश्ते की मेज़ पे, मैं और मेरे वालिद बैठे हुए थे, तो उसने वहाँ मुझे कभी नहीं कहा था। तो मैंने अपने वालिद को सच बताया, मैंने कहा नहीं वहाँ तो कुछ मुझे कभी नहीं इसने कहा। तो मेरे वालिद खामोश हो गए। लेकिन मुझे उस वक्त देखिए मती, ये मैं आपसे बाद में अंदाजा नहीं हुआ, मैं आपसे बाद में कहूँगी कि हम जिस इलाके के थे रिहायशी, वो पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव इलाका था कहूटा। हमारी रियासत को चाहिए कि उस इलाके के तमाम घरानों को सेंसिटाइज करे कि आपके बच्चे जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कभी किसी ने नहीं तो क्या हुआ? हमने वहाँ बोर्ड लगा दिए नो फॉरेनर। क्या ये आपके साथ आपके आबाई इलाके? मैंने इनको बता दिया कि मेरे मैंने कहा देखो तुम बर्ड वॉचिंग बंद कर दो, तुम्हारा ससुर परेशान होना शुरू हो गया कि शायद तुम नकम्मे हो। क्यों कहते हैं मुझे? मैंने कहा आज वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने कभी बॉस्टन में मुझे बर्ड सिखाए। अब ये तो था जो ये आपने अपने शौहर को बता दिया? ये मैंने बता दिया उसके तीन माह, तीन माह नहीं ऐसा बताने के चंद दिन के अंदर अंदर अचानक मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई तो वो नेवल हॉस्पिटल गए। लेकिन मेरे वालिद की जिस दिन तबीयत ख़राब हुई उससे चंद घंटे पहले मेरी वालदा की बड़ी बहन कराची में फौत हो गई, वहाँ से उनको फ़ोन आया। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा मैं आती हूँ कराची, मेरी वालदा खुद ट्रैवल नहीं करती थी, उनको चलने फिरने की तकलीफ़ होती थी। उन्होंने कहा जीनिया मुझे ले जाओ। हमने टिकट अरेंज की है, मैं अपनी वालदा को लेकर कराची चली गई। तो मेरी वालिद की तबीयत ख़राब पीछे से, तो ये लेके नेवल हॉस्पिटल गया, यही उनके साथ था। और हमारा जहाज़ लाहौर में रुका पैसेंजर्स उठाने के लिए, ऑन वे टू कराची PIA का जहाज़ था। तो उसमें अनाउंसमेंट हुई कि बेगम ब्रिगेडियर सदीक जहाज़ के अमले से रजू करें। तो मैं जहाज़ के अमले के मैं जब गई तो उन्होंने कहा कि जी आप ब्रिगेडियर से, उन्हें समझा मैं ब्रिगेडियर सदीक साहब की बेगम हूँ। तो वो कहने लगे कि जी ब्रिगेडियर सदीक साहब फौत हो गए हैं। तो बस उस वक्त मैं नीचे बैठ गई जाने के लिए टांग। लेकिन ब्रिगेडियर सदीक साहब की हार्ट का प्रॉब्लम भी तो हो सकता है? कोई प्रॉब्लम उनको हुआ होगा जरूर। लेकिन कॉज ऑफ डेथ क्या बताई डॉक्टरों ने? लेकिन ये फिर मुझे नहीं पता था ना जी, हम फंस गए कि लाहौर से वापस कैसे आए, कराची जाना तो ख़त्म था। लाहौर से वापस आने के लिए हमें फिर एक हमारा एक्वेंटेंस मिला जो कि कार में था, और वो कुछ टिकट लेने आया था लेकिन जो उसको नहीं मिले थे। तो उसने कहा कि मैं अब अपनी गाड़ी में ही, क्योंकि मैं जहाज़ का टिकट नहीं अरेंज कर सका, मुझे भी इमरजेंसी है जाना है, मैं गाड़ी में ही वापस जा रहा हूँ, आप लोग बैठ जाएंगे इस तरह। तो उसके साथ फिर हम ड्राइव करते आए तो काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। तो ये मेरे भाई को पता है कि क्या हुआ, क्योंकि मेरा भाई F10 में रहता था तब। वो हॉस्पिटल पहुँच गया था। और मेरे हमारे ख़ानदान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वैसे भी आप जानते हैं कि मुर्दों का एहतराम है, वो किस तरीके से हम करते हैं उनकी तजहीज़ और तफ़कीन। तो वो मेरे वालिद की डेड बॉडी को फ्रीज़र में रख चुके थे विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ हिज डेथ। ये कभी होता नहीं है। अब तो मैं, डॉक्टर ने बताया क्या कि क्या हुआ? ये मेरे भाई को पता है। अच्छा, उन्होंने आज तक आपको नहीं बताया? डेथ सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ था आपको आज तक नहीं बताया? देखिए हमारे वालिद साहब तो उस वक्त ज़ईफ़ भी थे, 82 के थे। ओके, ठीक है ना, जवान तो थे नहीं। और उनको हार्ट का हुआ था, यही सुनने में आया था। लेकिन जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपनी आंखों से मैंने कभी नहीं देखा। और मेरे वालिद साहब जब फ्रीज़र में थे, तो हम जब वापस आए तो पता चला फ्रीज़र में, तो वो मेरी वालदा
बड़ी परेशान हम भी, तो मेरे चचा थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा देखो एक दफ़ा बॉडी वहाँ रख लो तो फिर निकालते नहीं है, ये और भी ख़राब बात है, तो अब तुम उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में मेरे भाई ज़्यादा बता सकते हैं कि फ्रीज़र में रखने का किसका डिसीजन था, हमारे ख़ानदान में तो ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। उसने बस यही कहा कि वो फौत हो गए, अचानक वो कहते हैं कि वो फौत हो गए और उनकी हार्ट बीट रुक गई और बस फिर उन्होंने सब कुछ उतार लिया जो लगाया होता है साथ। और मैंने डिटेल्स में नहीं पूछा कि तुमने, चलें, हमारी हालत बहुत उस वक्त फिर आगे हैं, फिर वो आपके साथ आपके घर में रहना शुरू हो गया। बस फिर मेरी वालदा ही थी, फिर मैं ही थी, और वो ब्रांड, ये जो ब्रांड सैमसन था, और मेरे तो ये प्लॉट तो मेरे वालिद मुझे देखे गए थे ये बचपन से ही, जब हमने ये घर यहाँ हमने जायदाद बनाई थी तो ये साइट का हमने कहा था जीनिया का है, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जीनिया का वो कह जी, और बाकी हिस्सा दोनों सिस्टर्स को दे दिया और एक भाई, नहीं बाकी हिस्सा सबको जितने वो सब वो मेरे एक भाई और दो बहनें, मेरे वालिद पूरा घर चाहते थे कि मुझे दें, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं उनको कुछ ना कुछ जरूर दें, वो कहते थे सब सेटल्ड हैं किसी को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। तो उसके बाद फिर मेरा ये बेटा पैदा हुआ और राजा शाहजेब खान, इसका नाम मैंने राजा शाहजेब खान रखा। एट बर्थ काउंसलर रिपोर्ट है ऑफ अमेरिकन सिटीजन बॉर्न अब्रॉड जो कि ब्रांड सैमसन ने इशू करवाई थी यूएस गवर्नमेंट से, ये अमेरिकी शहरी हैं आपके बेटे, ये ड्यूल नेशनल है अमेरिकी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान में पैदा हुए इस्लामाबाद में, लेकिन उन्होंने एम्बेसी से जाके एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जिसके ऊपर लिखा है अमेरिकन सिटीजन बॉर्न अब्रॉड, उसमें उनका नाम अलेक्जेंडर सैमसन रखवाया मेरे हम, अलेक्जेंडर शाहजेब, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ शाहजेब सैमसन, ठीक, ओके, मैंने फिर राजा शाहजेब खान में तब्दील कर लिया जब मैं सिंगल पेरेंट इनकी बनी। और ये 96 में पैदा हुए, ये 97 में पैदा, 97, ठीक है, मई ऑफ 97, फिर उसके बाद क्या हुआ, मई ऑफ 97 में पैदा हुए तो दो साल बाद मेरी वालदा भी फौत हो गई। जब वालदा फौत हुई तो इतनी देर में मैं अपना ये घर बना चुकी थी तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर। अच्छा उस दौरान आपके जो हस्बैंड थे ब्रांड सैमसन सैमसन, तो वो नेपरा में ही कंसल्टेंसी कर रहे थे या? जी वो कंसल्टेंसी नेपरा के साथ भी करते थे, फिर तो उनको और भी कंसल्टेंसी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, ब्रिटिश गैस के साथ भी उन्होंने की कर रहे थे, AES के साथ भी, नेपरा के साथ भी और मरी के साथ भी, ठीक है, वो जारी है। तो फिर व्हाट हैपेंड, फिर हम यहाँ, फिर मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो मैं दफ्तर में, मैं भी कंसल्टेंट थी साथ और हम बहुत अच्छा कमा रहे थे, तो जब ये पैदा हुआ तो कोई डे केयर नहीं था वहाँ पे, उनका डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में हमारा दफ्तर होता था, तो मैंने फिर उस वक्त ये कॉटेज बनाया। अच्छा, तो मैंने कहा मैं इधर से काम करूँ। आप कौन से दफ्तर में थी उस वक्त? ये हमारी जो कंसल्टिंग फर्म थी उसका नाम था NMN ग्रुप, तो इट वाज अ प्राइवेट कंसल्टिंग फर्म जिसमें आप और आपके हस्बैंड, जी हम दोनों और भी लोग थे, उन्हें एक मंजर नहीं, और आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रह रहे थे, जी। फिर क्या हुआ? फिर ये आया का वाक्य, एक हमारे पास आया होती थी जो कि क्रिश्चियन थी, तो एक दिन वो अपना बच्चा साथ लेके आई, वो बहुत ही छोटा, कितनी उम्र का? मेरा ख्याल में साल से ज़्यादा का नहीं था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, अच्छा। नहीं मैंने पूछा कि एग्जैक्टली, ओके, लेकिन छोटा ही था, तो वो यहाँ पे मेरे ही घर में, थोड़ी आवाज़ जी, ये अब मेरे लिए बात करना मुश्किल है इस मामले में, आवाज़ भी शायद आप जी जी, इट्स नॉट टू दिस डे इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी, क्या हुआ? बिकॉज An awful crime was dumped on me, a sole woman, to handle by myself. ये रियासत हमारी, child protection के system. वो बच्चा जो है वो कमरे में था इधर, ये ऊपर यही कमरा जो है, आया का बच्चा, जी वो इसको यहाँ पे सुना के नीचे इस्त्री कर रही थी कपड़े, कोर्ट यार्ड होता था उस जमाने में, वो न्याजियों ने सब तब्दील कर दिया, मेरे ख्याल में न्याजियों ने तब्दीली ही कंस्ट्रक्शन की थी, क्योंकि वो इस क्राइम को छुपाने के लिए यू गो बैक एंड यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर वेयर इट हैपेंड, वो सब चेंज करके चले गए। नहीं हुआ क्या, क्राइम क्या? तो वो बच्चा मुर्दा पाया गया, मुर्दा, छोटा बच्चा मारा गया, जी मेरा खामद कहने लगा कि इसको सिट कहते हैं, सडन इन्फेंट डेथ, और ये बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में। अच्छा अच्छा, मैंने कहा चलो, उस आया को हमने पैसे दिए थे, नहीं लेकिन वो बच्चे जब उसकी डेथ हुई तो आपके हस्बैंड कहाँ थे? घर पे ही थे, वो घर पे थे, और मेरी जब ये लोग चले गए कुछ दिन ही गुजरे होंगे मेरे ख्याल में, उसके बाद आया ने आके बताया कि जी
हमने इस सिलसिले में आपस में मैंने और मेरे खामन ने मशवरा किया है, तो मेरा खामन कहता है कि मैं आपको बताऊं, आपका भी बच्चा है. तो क्या बताऊं मैंने कहा, तो कहते हैं जी हमारे हमारा जो बच्चा है उसकी मौत उसके ऊपर जिंसी हमले की वजह से हुई है. वो एक साल का बच्चा है. हाँ, तो मैंने कहा किसने किया, वो तो यहाँ था. तो कहने लगी जी आपके मियाँ ही थे सिर्फ घर में, वो ऊपर कमरे के गए थे जब मैं नीचे इस्त्री कर रही थी. तो उन्होंने कहीं रिपोर्ट किया पुलिस में? तो मैंने मेरी आया को बिल्कुल नहीं यकीन किया और मैंने समझा कि ये लोग पैसे बटोरने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं जब इनको फॉरनर का पता चलता है. इससे भी आज तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई इससे. लेकिन वो चुपचाप चली गई ये कहने के बाद. तो फिर ये साबित कैसे हुआ? जब वो चुपचाप चली गई तो कुछ अरसे के बाद उसकी सास आई तो कहने लगी जी उसके खामन को इतना मारा है कि वो मर गया है. मेरी आया ने जो मुझे बात कही वो मैंने अपने दोबारा पहले अपने वालिद की ये बात की, ये बर्ड वॉचिंग करता था, उसको हंस हंस के बता दी शायद उस वजह से इसने मेरे वालिद को मारा. बिकॉज विद इन डेज आफ्टर दैट ही वाज डेड. आया की बात भी इसको बता रही हूँ. आपने बता दिया इसको बताए, क्योंकि इसको बताने से पहले मती आपसे पहले जब मैं बात कर रही थी मैं ताबिश हाजिर के पास गई जो कि मेरे बेटे का पीडियाट्रिशियन भी था, डॉक्टर. तो वो एक वाहिद बंदा था जो मुझे लगा अब वो इस दुनिया में मुझे वाहिद वो बंदा लगा जिससे मैं डिस्कस करूं कि ये क्या क्या करूं इस सिलसिले में. ताबिश ने कहा फॉरन पुलिस के पास जाओ. लेकिन आपके पास कोई उसने और evidence... ताबिश ने भी ये मेरे जहन में डाला कि ये लोग अक्सर ब्लैकमेल भी करते हैं, डोंट टेक इट टू सीरियस, लेकिन पुलिस के पास जरूर जाओ. लेकिन आपके पास कोई सबूत आया है इस बात का कि किसने इल्जाम लगाया आपके हस्बैंड पे और आपने एकदम से उसको एक्सेप्ट कर लिया? कुछ भी नहीं, ना ही तजहीज़ और तकफीन उस बच्चे में मैं शामिल थी, ना ही उस खावन जो है उसका जनाजा मैंने देखा. लेकिन जब उसकी सास ने आके बताया कि जी उसको पहले उसने कहा कि जी चंद लोगों ने वो छः थे के साथ थे उन्होंने उसको ले जा के घर से बाहर एक जगह बहुत मारा उसके उस बच्चे के बाप को अच्छा। और वो जख्मी है. अच्छा, उस वक्त भी मैंने उसको पैसे दे दिए कि उन जख्मों का इलाज कराना. तुम्हें पता है तुम्हारी किसी से दुश्मनी? कहती जी किसी से भी नहीं है. वो बहुत ज्यादा मारा उसने. उसके हस्बैंड को देखा जख्मी हालत में? नहीं, मैंने सुनी सुनाई बात पे मैंने खुद पैसे दे दिए, मैंने रकम दे दी. तो उन्होंने क्या कहा, किसने मारा? जब उसने कहा कि वो मर गया है तब मैं फिर पुलिस के पास गई. आपने उसकी बॉडी देखी कि वो वाकई मर गया है? कोई हस्बैंड था उसका? आप उसके हस्बैंड को जानती थी, कभी पहले मिली थी? मैं उसके हस्बैंड से एक दफा भी नहीं मिली. तो फिर उन्होंने कह दिया, आपने बिलीव कर लिया? हाँ, नहीं मैंने बिलीव नहीं किया ना मती. मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि अगर मैं होल हार्टेडली बिलीव कर लेती तो मैं इस मामले को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करती. जब उसका हस्बैंड मारा गया, आपकी आया का पहले बच्चा मरा फिर उसका हस्बैंड मारा गया, तो फिर आपने उसके हस्बैंड के मरने के बारे में भी अपने खावन से बात की? मैंने नहीं, उस वक्त तक मैं थोड़ा डरने लग पड़ी थी कि ये क्या हो रहा है. लेकिन मैंने जाके ये बात पुलिस से की, तब दुरानी साहब होते थे पुलिस में और वो FH में उनका दफ्तर था. दुरानी साहब वो जो बाद में IG खैबर पख्तूनख्वा बने, वो नासिर दुरानी साहब. नासिर दुरानी साहब बड़ी देर जब मैं वापस पाकिस्तान में आई जब ये 12 साल का था उस वक्त तक वो जिंदा थे, बिल्कुल ठीक ठाक थे. और अगर कोई भी हमारी रियासत में इंक्वायरी शुरू करता तो दुरानी साहब की स्टेटमेंट होती. उस वक्त एक और वकील जिंदा थी जिसको ये सब मामला पता था, नाहिदा महबूबुल्लाह ही उसका नाम था. वो भी सुना है किसी वजह से जवानी में ही मर गई, उसको कुछ हुआ. तो फिर हुआ क्या? नासिर दुरानी ने क्या कहा? नासिर दुरानी ने पूरी बात सुन के कहा कि मैंने कहा जी मैं रिपोर्ट लिखना चाहती हूँ, बाकी आप तफ्तीश करेंगे. तो मेरा ख्याल था पुलिस सब कुछ मालूम कर लेगी, यू नो. तो वो कहने लगे नो डोंट राइट अ रिपोर्ट. बल्कि मुझे याद है उनके पास दो टेलीफोन पड़े होते थे लेफ्ट साइड पे, एक कोई लाल रंग का एक काले रंग का, और उन्होंने अपना हाथ लाल पे रखा तो मुझे लगे कि अब ये फ़ोन करने वाले हैं. और मैंने कहा जी मैं फिर लिख के आपको देती हूँ, लेकिन हाथ वहीं रखे रखा और कहा नो डोंट राइट द रिपोर्ट. क्यों? गो गेट अ लॉयर फर्स्ट. एक सेकंड, मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा.
So Nasir Durrani said, go and get your lawyer. I said, go and get a lawyer first. Up somehow my husband got to know that I was in the police. Somehow he got to know. उसके बाद इंतहाई खौफनाक किस्म की हरकतें शुरू हो गईं, जिनके ऊपर मैं फिर पुलिस का तो ये रिस्पांस था तो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी था। और क्या खतरनाक हरकतें क्या आपके हस्बैंड की तरफ से? जी। What did he say? Did he complain to you कि why did you go to police? No, no, not at all. Some things that he started doing endangered me and my child both. कैसे? क्या करते? अब यू नो इनकी इतनी डॉक्यूमेंटेशन हुई है कि इनको इसके बारे में गुफ्तगू से बजाय मेरे ख्याल में शॉर्ट सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे घर में, सीसीटीवी कैमरास होते थे, मोशन सेंसर्स वगैरह, अब अपनी तरफ से बड़े सिक्योर बैठे हुए बच्चा पाल रही, तो फ्रीक्वेंटली पावर आउटेज होने लग पड़ी जिसका इलाके की पावर आउट से कोई ताल्लुक नहीं था, और फ्रीक्वेंटली बर्गलर अलार्म बजना शुरू हो गए जबकि कोई टच भी नहीं कर रहा था किसी चीज़ को। एक तो ये चीज़ें हो ही रही थी तो मैं कह रही थी कि देखो क्या हो रहा है। तो इस दौरान में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ ऐसी हरकत की, हमारा ये कोर्ट यार्ड था, इसमें मेरा 2 साल का बच्चा था, वो अपनी बाइक वगैरह कर रहा था, और मैं जब बाहर गई तो सिक्योरिटी गार्ड गेट छोड़ के अंदर कोर्ट यार्ड में आ गया और वो बच्चे को इस नामुनासिब अंदाज में उसको हाथ लगा रहा था, मगर उसको अब आई एम 100% पॉजिटिव ऑफ इट, खैर सबसिक्वेंट इवेंट्स बोर मी आउट टू, वो चाह रहा था कि मैं देखूं, वो कर नहीं रहा था, वो मेरे आने का इंतजार कि मैं कोर्ट में आऊं तो मैं देखूं। जब मैंने देख लिया तो उसके चेहरे के ऊपर एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसकी ड्यूटी पूरी हो गई है। ये बात मैंने फौरन घर में अंदर आके बच्चे को मैं ले आई अंदर और मैंने अपने खामन को टेलीफोन किया और मैंने कहा घर वापस आ। जब वो वापस फौरन आ गया, डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में ऑफिस था वहाँ से, मैंने कहा कि ये बात हुई है, कहते ओह हो ये तो बहुत सीरियस मामला है, फौरन जाओ उसी पुलिस के पास, और ये जो दुरानी नहीं है, दुरानी का नाम, कि उनके पास जाओ पुलिस को, ये एफेट में है पास। और मुझे नहीं पता उस वक्त को सार थाना था कि नहीं, क्यों हम वहाँ जाते थे एफएट में, वो एसपी साहब बैठते थे ना नासर दुरानी, नहीं तो कोसार भी तो था यहीं। हां ठीक, देन व्हाट हैपेंड? एनीवे कि पुलिस को जाके ये सारे मामला बताओ। अच्छा, देखिए उन्होंने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया कि उनको पता है कि आप नासर दुरानी के पास गई थी, ये आपसे नहीं कभी भी नहीं डिस्कस किया? और आपको सर ने कहा होना शुरू हो गया यके बाद दिगरे ऐसे हरकत जो पहले कभी नहीं हुए थी, और उसके बाद उसने कहा जाओ फौरन पुलिस के पास। हाँ। और फिर मुझे गाड़ी में बैठा के एफएट की तरफ ले गए। अब मैं सोचती हूँ कोसार थाना था ना उस वक्त, तो वहाँ क्यों नहीं, वहाँ एसएचओ को आप शिकायत करते हैं। तो फिर एफएट में कहाँ ले गए? एफएट में वही दुरानी का जो दफ्तर था। अच्छा, दुरानी उस वक्त दफ्तर में नहीं था। हाँ। वहाँ बैठ के कहने लगे सारी बात बताओ, तो उस वक्त मैंने कहा मेरे साथ जरा बाहर आना। बाहर लेके जब मैं गई तो मैंने कहा देखो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में खवातीन पुलिस को खामन के होते हुए इस किस्म की बातें डिटेल्स में नहीं बताती, ठीक है, ये मर्दों के दरमियान गुफ्तगू होती है, ये तुम बताओ, ठीक है। दैट इज व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। कहते नहीं, मैं तो इस वक्त बड़ी जल्दी में हूँ, मुझे वापस जाना है, मैं सिर्फ तुम्हें थाने में इधर पुलिस वाले के पास लाने के लिए लाया था, मैं तुम्हें छोड़ के अब जा रहा हूँ, अंदर जाने के लिए छोड़ के मुझे चला गया। जब चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि समथिंग इज हाईली एबनॉर्मल, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर तुम मसरूफ थे तो मुझे फोन पे कह देते कि मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं यू नो ही इज लेफ्ट मी हियर व्हेन आई सेड यू टॉक एंड यू टेल हिम, बताओ कि क्या हुआ जो मैंने तुम्हें बताया है। वहां जाने के बाद वहां से मुझे घर फोन किया कि तुमने रिपोर्ट दी उसको, मैंने कहा नहीं तुम चले आए थे तो मैं भी वापस आ गई, लेकिन मैंने उनको कहा कि मेरा खामद आपको एक बहुत सीरियस रिपोर्ट देगा थोड़ी देर में, तो तुम जितना जब भी फारग होते हो सीधे वापस आओ, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हें। उसके बाद शाम को वापस आया तो मुझे इंसिस्ट करने लगा कि रिपोर्ट तुम दोगी, लिखो तुम, साइन तुम करो, मैं जाके उसको ये दूंगा। मैं भी, क्योंकि आप विटनेस थी ना, तो वो विटनेस नहीं थे, तो उन्होंने कहा जो विटनेस है उनकी तो शायद वो ये कह रहे हो। देखिए अगर ऐसी बात है तो आप पहले पुलिस को बता तो दें कि मामला क्या हुआ है, कम से कम उनको ये बताएंगे मेरी वाइफ ने ये देखा, मेरी वाइफ ने मुझे बताया है ये हुआ है घर में, ये हमारा कोर्ट यार्ड है, ये जायबकू। अच्छा, है उसके बाद क्या जिस तरह की मर्द और खामन करते हैं और बाप करते हैं, उसके बाद क्या?
उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा एविडेंस पेश करे जिसमें घर के गार्ड्स के ऊपर इल्जाम आए इस किस्म का, तो और तो कोई बच्चा था नहीं, तो अपने बच्चे को इसने इस्तेमाल किया इस काम के लिए। तो मैं वो गार्ड्स को तब्दील करना चाह रहे थे या अपने लोग लाना चाह रहे थे। दूसरी ये बात है कि ना सिर्फ इसने इस गार्ड को नहीं कहा कि यहाँ से चले जाओ, वही गार्ड ड्यूटी पे है, इसने उसको एक दफा गर्दन से भी नहीं पकड़ा, ना ही सिक्योरिटी कंपनी को टेलीफोन किया कि हमें तुम्हारे गार्ड्स के बारे में शिकायत है, दीज आर हाईली एबनॉर्मल थिंग। उसकी सिर्फ एक इंसिस्टेंस थी कि तुम जाओ, तुम खुद एसपी को ये स्टेटमेंट दो, तुम खुद उस स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत करो और तुम बोलो कि मेरे बच्चे को गार्ड ने मोलेस्ट किया है। तो मैंने कहा देखो जो मैंने देखा, मोलेस्टेशन एक बहुत सीरियस एलिगेशन होती है, जो अच्छा, मैंने देखा वो मोलेस्टेशन नहीं है, अच्छा, वो अटेम्प्टेड मोलेस्टेशन है, वो उसका हाथ उसकी निकर में अपना डाल रहा था, अच्छा, हाथ, और वो भी इस तरीके से डाल रहा था जैसे इंतजार मेरा कर रहा हो कि माँ आए और देखे। अच्छा, तो मैंने ये बताना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा था। अच्छा, वो शायद ऐसा इसलिए कर रहे हो कि आपने जो पहले पुलिस को रिपोर्ट की थी तो वो आपकी शख्सियत को एक नॉन सीरियस कंप्लेनेंट के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए जानबूझ के उन्होंने एक इंसिडेंट क्रिएट किया, और बाद में जब पुलिस उनसे पूछती तो वो कहते कि नहीं ये वैसे शिकायत करती रहती है, इनका दिमाग तवाजन ठीक नहीं है, तो शायद उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की आपकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए। आप जो कह रहे हैं वो मैं भांपती, उससे ज्यादा ही उन्होंने अहमकाना हरकत शुरू कर दी। उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत खतरा है, यहाँ गार्ड्स हैं, गार्ड्स को तुम चेंज नहीं कर रहे, सिक्योरिटी कंपनी को तुम टेलीफोन नहीं कर रहे, तुम अंग्रेज हो, अमरीकी हो, ये पता है ऐसे क्लाइंट्स को कितना सीरियस लेते हैं सिक्योरिटी कंपनी वाले, किसी किस्म की तुम नहीं, तुम अपनी बीवी के पीछे पड़े हो। और फिर खौफनाक हद तक उसको गुस्सा चढ़ गया जब उसने देखा कि उसकी बीवी कंप्लेंट पुलिस को ना सिर्फ वर्बली नहीं कर रही, वो लिख के साइन भी नहीं कर रही डॉक्यूमेंट, और मैंने साइन करने से मुकम्मल इनकार कर दिया। तो कहने लगा यहाँ बहुत खतरा है, ये बहुत सिक्योरिटी, ये तो गार्ड है, ये तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे भी हर्ट कर देंगे, मुझे कुछ कर देंगे, तभी क्या कहाँ जाए हमें उठा के मैरी। अच्छा, उनको ये गार्ड्स भी जो खतरा लग रहे थे तो शायद वो जिस नोयत का काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो उनको हर यूनिफॉर्म बंदे से खतरा लगता था, और वो अपने आप को इन यूनिफॉर्म पुलिस के साथ या गार्ड के साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर उनसे वो जो काम वो कर रहे थे अचानक वो लाइमलाइट में आ जाता। गार्ड्स रखने का इसका डिसीजन था कि सिक्योरिटी गार्ड्स रखे, मैंने तो जब अलार्म सिस्टम लगाया तो मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन इन्होंने खुद डायरेक्टली रब्ता किया था कंपनी से, कंपनी से रब्ता, कंपनी चूज इन्होंने की कि कौन सी आनी चाहिए, गार्ड को हायर किया, गार्ड्स इन्हीं की मर्जी के लोग थे, ये गार्ड्स जो है ये इनके डिसीजन थे, इनकी चॉइस थी। 10,000 कंपनियां, मैंने एक कंपनी का कहा था उसका नाम, आप ये समझिए कि गार्ड्स को यूज किया गया आपको एक ऐसी हैबिचुअल कंप्लेनेंट के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई, समथिंग लाइक दैट। तो फिर क्या हुआ? एनीवे, तो हम मैरियट ले गए, मैरियट में चेक इन कर लिया, मैरियट ये घर छोड़ दिया, मुझे ले गया साथ, बच्चे को भी ले जाओ, कि आप मैरियट में, ये इतना ड्रामा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ तुम जब तक दरखास्त नहीं दोगी यहाँ हम नहीं रहेंगे। तो जब मैरियट में हम गए तो मुझे इंसिस्ट करने लगा कि तुम दरखास्त दो, और उसमें उसको गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, घर में फिर ये खुद रहना शुरू हो गया? नहीं, अभी मेरे साथ ही मैरियट में रह रहा था। ठीक है, घर हमारा यहाँ पे मैरियट में रह रहे, तो मैरियट कहता है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो हमारा लैपटॉप, उस पर बैठो, दरखास्त लिखो। तो मैं दरखास्त लिखने बैठ गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था, मुझे लगे कि अगर मैंने ना किया तो ये मुझे स्ट्राइक करेगा, ये फिजिकली अटैक करेगा, और शायद इसलिए मैरियट ले आ गया है कमरे के अंदर, क्योंकि हमारे घर तो मेरा पैनिक बटन लगा हुआ था, कुछ भी हो मैं पैनिक हो जाती हूँ, सिक्योरिटी कंपनी आ जाती ट्रक भरे हुए, ठीक, वहाँ ले जाके इसने कहा लिखो तुम, और इस तरीके से मुझे कहा जैसे नहीं लिखोगे तो यही गला घोंट के मार। अच्छा, ठीक, फिर वहां बैठ के पूरी लिखी मैंने, जिसमें मैंने ये पूरी बात जो ये इसने मुझे डिक्टेट कराई थी कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे बच्चे को मोलेस्ट किया है, अटेम्प्टेड मोलेस्टेशन नहीं लिखो तुम, वो सीरियस नहीं लेगा, बोलो मोलेस्ट किया है, मैंने इसका पूरा जुमला जो उसने बताया। सो आपको फिर मजीद झूठा साबित करने के लिए कि वो बाद में चीज साबित नहीं हो सकती, तो आपसे ऐसी गलत बात लिखवाई, वो सारी मैंने लिख दी थी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरे अंदर कितना खौफ पैदा हो गया था इस शख्स। तो वो ईमेल आपने कर दी? नहीं, ईमेल तो ना उस जमाने में प्रिंट आउट किया, प्रिंट
प्रिंट आउट करके इसको पढ़ाया, इसको पढ़ने के बाद साइन किया और पुलिस को दे दिया। एक किस्म की खुशी जिसे कहते हैं ना ग्रीन, मतलब बमुश्किल अपनी ग्रीन रोक। सो ही वाज, वो आपके साथ गेम्स खेल रहे थे कि आपसे गलत बात लिखवा के आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी दूसरे मामलात में, जो आप चीजें पुलिस को शायद उनके जहन में था आप बता रही हैं उसके बारे में, तो आपको एक नॉन सीरियस कंप्लेनेंट के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए ऐसी गलत चीजें लिखवा रहे थे। अब इन हालात में इसके बाद क्या हुआ, पुलिस को दिया आपने? इन हालात में मुझे नहीं, मुझे एक बात समझ आ गई थी कि ये जो मुझे कह रहा है अगर मैंने ये किया तो इट वुड लीड टू अ बिग क्राइम, और ना मैं सेफ होंगी ना मेरा बच्चा सेफ होगा। इस वक्त तक, उस वक्त मुझे शदीद एक लॉयर की जरूरत थी, तो क्या तो मैंने इसको कहा कि मैंने ये मैरिट, ये दफ्तर से फोन, मैं मैरिट में ही थी अपने बच्चे के पास, मैंने लाहौर का टिकट लिया और मैं वहाँ पे रजा काजम एक लॉयर होते हैं उनके घर गई लाहौर में। हाँ, इसको नहीं पता था, इनको नहीं बताया, इनको मैंने कहा आप होटल से निकल गई, मैंने कहा मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, तुम फिक्र ना करो, बस ये आज चली जाएगी। आप पुलिस के पास नहीं गई? पुलिस के जाने के बाद बजाय मैं रजा काजिम के पास गई, लॉयर के पास, लाहौर चली गई। जी, उनकी बहन मेरे साथ फ्रेंचर में पढ़ा करती थी, नसीम जहरा, अब वो जर्नलिस्ट है। ओके, और शी इज एन एंकर पर्सन नाउ। अब एंकर पर्सन है, ठीक है। तो उस वक्त एंकरशिप नहीं, नसीम ने शुरू की थी, या शायद की थी, नहीं इनका कंसल्टेंट होती थी। तो वहाँ जाने के बाद मैंने रजा काजम से पूरी बात उसको बताई, तो रजा काजम इंतहाई जहीन किस्म का इंसान है, उसने फौरन ही मुझे कहा कि लुक, यू मैरिड अ मॉन्स्टर, डू नॉट डिसबिलीव द फैक्ट दैट ही किल्ड द चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज आस्किंग यू टू रिपोर्ट दिस थिंग टू द पुलिस एंड पुट योर सिग्नेचर ऑन इट, ताकि वो वाली कंप्लेंट जो है डिस्क्रेडिट हो जाए जो पहले वाली है। रजा आल्सो हैड सम अदर नोशंस। It is absolutely essential that you get yourself to a place of safety. And Zinia, he's American. जी, किस स्टेट से? वर्जीनिया से। किस इलाके में वर्जीनिया के रहते हैं? वो बहुत ही अपस्केल इलाका है, वियना वर्जीनिया, जिसमें इसके पेरेंट्स रहते थे। इसके माँ बाप क्या करती हैं? रजा भाई ने तो इसके ऊपर शुरू कर दी इंटरोगेशन, इसके माँ बाप क्या करते हैं? मैंने कहा जी वालिद इसके बताया, वो स्टेट डिपार्टमेंट में। क्या अम्बेसडर है? मैंने कहा जी अम्बेसडर नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट में। कितने बहन भाई हैं फलाने? क्या काम करते हैं? कौन कौन सा भाई है इसका? एक और भाई है, वो कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा? स्टेट डिपार्टमेंट में जी, कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा? सारी पोस्टिंग्स बताओ। मैंने कहा जी सारी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बताएं वो सारे के सारे यूरोपियन मुल्क थे। रजा कासिम कुछ प्रोफाइल बना रहे थे इसका, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि क्वाइट ऑनेस्टली ज़ीनिया, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और उसके बाद उन्होंने एक और बात की जो कि एक माँ को नहीं कहते इन हालात में, वो फिर हमारे मुल्क में, वो उन्होंने कहा कि सेफ, गेट योर चाइल्ड टू सेफ्टी, तो इसको बोर्डिंग हाउस में गई यूरोप में। वहाँ से भी ये भाई इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ? वो कहते हैं हाँ, और मैं मिलना चाहूँगा तुम्हारे खावत, तो वो आए फिर इस्लामाबाद और उसी मैरियट में ठहरे हो जहाँ हम ठहरे थे, और कहते हैं इसको बुलाओ। वो बहुत क्यूरियस हो गए थे, अब वो इंतहाई जहाँ दीदा इंसान थे, वो जो कुछ सोच रहे थे वो उस वक्त तक उन्होंने मुझे डाइवर्ज नहीं किया था। इसको मिले, ये इसको मिलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि दिस मैन इज़ वेरी एंग्री एट यू, ही हैज़ रियलाइज दैट यू आर नॉट डूइंग एज अ डोसाइल वाइफ व्हाट ही इज़ टेलिंग यू टू डू, यू बेटर गेट योरसेल्फ टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, सेफ प्लेस। उन्होंने जो ये बात की, ये बात बाद में मेरी मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी उसके एहलकारों ने दोहराई। नहीं, आपने मिलिट्री गवर्नमेंट को कैसे अप्रोच किया? जी, हमारे घर के साथ E8 है, वो नेवल है कंपाउंड, नेवल चीफ अजीज मिर्जा, वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं उनके पास चली गई। फिर जब रजा के भी ये हुआ, डॉक्टर ताबिश के ये भी ये हुआ, पुलिस के गई ये हुआ, कोई भी मामले को हाथ में लेके सपोर्ट देने को तैयार इस तरह से नहीं था रजा काजिम। इसके अलावा क्या करते? उन्होंने मुझे एक हदायत दी कि इफ़ यू गो टू अमेरिका एंड गेट डिवोर्स एंड सू हिम फॉर चाइल्ड सपोर्ट एंड ऑल, यू विल बी बेटर ऑफ देन डूइंग एनीथिंग इन पाकिस्तान। ये कह के वो चले गए अपनी एडवाइस मुझे दे के। इन हाइंडसाइट उनकी एडवाइस बिल्कुल मसलम थी, ठीक थी। एंड इट इज़ खैर, नेवल चीफ साहब के पास जाके उनको सारा मामला बताया। उनको बताने के बाद जब मैं घर आई तो मुझे इंटेलिजेंस, जो कि मिलिट्री ही होगी यकीनन, नॉट दैट इट वाज वेयरिंग यूनिफॉर्म, उन्होंने कहा कि यू डोंट
sleep under the same roof with this man and you get yourself to a place of safety. तो मैं फिर मैरियट में चली गई. अच्छा. तो मैरियट में उन्होंने कहा दूसरा ये कि जहाँ भी सेफ हो वहाँ जाओ. बेहतरीन चीज़ ये है कि इसका घर जो है जिसका ये शहरी है USA उसमें अगर अपने लिए जॉब अरेंज कर सकती हो मगर किसी ऐसी जगह में रहना है जहाँ CCTV कैमराज हो हर जगह. उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आएगी ये क्यों कह रही है. आप देखिए एक ही औरत है उसका 2 साल का बच्चा है वो बिल्कुल अकेली है. उसका बाप मर गया है उसकी माँ भी मर चुकी है और उसकी दोनों बहनें उस वक्त यहाँ नहीं थी. वो क्या कर सकती है उसका क्या ज़हनी हालत हो गई होगी. मगर आपको ये मशवरा दिया जाता रहा कि आप पाकिस्तान से चले जाएं. जब मैं मैरियट में गई नहीं पाकिस्तान से चले जाने का उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने कहा कि बेहतरीन चीज़ यही है कि जहाँ का ये शहरी है वहाँ के आप उसकी बीवी हैं वहां पे आप अगर अरेंज कर सकती हैं अपने लिए जॉब वहां पे आप सेफ हैं. आप आपको आपको बिकॉज वहां पे लॉ एनफोर्समेंट ऐसे लोगों की परवाह नहीं करती. एग्जैक्टली. उनको पता था कि यहाँ कुछ नहीं है इस मामला में इसके लिए. तो वो ये कह रहे थे और वहां में उन्होंने ये भी कहा कि अपना करियर आप बनाओ. उनको समझ आ गई. नहीं आपने जो मिलिट्री अथॉरिटीज के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ तो किस किस्म की डिस्कशन थी जिससे they got interested. मैंने ये सारी बात जो आपको बताई है स्टार्टिंग फ्रॉम बर्ड वॉचिंग एंड अदर थिंग्स. बर्ड वॉचिंग क्या ये जो हुआ था आया के साथ ये बर्ड वॉचिंग का उस वक्त तक आया उसका बच्चा उसका हस्बैंड. एग्जैक्टली. और उसके बाद ये कि ये जो चीज है मेरे ये बच्चे के साथ जो गार्ड थी जब मैं मैरियट में थी तो वहाँ से गाड़ी अरेंज की सेल उसकी अरेंज की. उस जमाने में हमारे अम्बेसडर होते थे राजा त्रिदेव रॉय. वो ऑनरी मिनिस्ट्री उनको मिली पाकिस्तान में सारी उम्र रिटायरमेंट के बाद अर्जेंटीना से. वो इधर पास रहते थे. उनकी बेटी एम्बेसडर एट लार्ज. एम्बेसडर वो उनकी बेटी मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी. तो राजा साहब के पास तो उन्होंने कहा कि तुम ये गाड़ी जो है मेरे पास छोड़ जाओ घर तुम्हारा मैं संभाल लूंगा तुम अपना बच्चा रहे. वेरी काइंड. वाज लाइक अ फादर. ये वाला घर वो कह रहे थे कि ये मैं संभाल लूंगा. हमने कहा ये मुझे सब चाबी तुम दे जाओ तुम्हारी गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी कर जाओ. डोंट वरी अबाउट योर थिंग्स दे विल बी सेफ हियर आई विल टेक केयर ऑफ. राजा त्रिदेव राय ठीक है. मिनिस्टर भी थे उस जमाने में. एम्बेसडर रिटायर हो चुके थे लेकिन उनको मिनिस्टर एट लार्ज का दर्जा दिया गया था. एम्बेसडर एट लार्ज ये दो बांग्लादेशी थे ना जिन्होंने बांग्लादेश को अपोज किया उसकी फॉर्मेशन. ठीक ठीक. महमूद अली और राजा त्रिदेव राय. अच्छा. तो उनको हुकूमत ने बहुत एम्बेसडर एट लार्ज के तो ठीक. तो मैंने सब कुछ उनके हवाले किया और मैं चली गई अपना बेटा. कौन से साल में आप गई? 2000 अक्टूबर 2000 में अमेरिका चली गई. अमेरिका चली गई. बॉस्टन गई सीधी. वहाँ पे अपने लिए टीचिंग फेलोशिप हार्वर्ड में अरेंज की अपने बच्चे को. और आपके हस्बैंड का क्या हुआ? हस्बैंड तो फिर यहीं था ना जी. अच्छा वो आपके साथ नहीं गए अमेरिका? ऑफ कोर्स नॉट. उनको तो पता भी नहीं था कि आप अमेरिका में. मैं मैरियट से सीधा गई थी अपने जहाज पे बैठ गई थी अपना सामान भी मैरियट. और ये 2000 में आप मैरियट में ठहरी थी? 2000 में मैरियट में 15 दिन ठहरी थी. और उसके फौरन बाद उनको बताया बगैर आप अमेरिका चले? वहाँ से सीधा अमेरिका चले. तो उन्होंने आपको तलाश नहीं किया आपके हस्बैंड? उसके बाद ना सिर्फ तलाश किया. मैरियट में जो लोग काम करते थे उनमें से एक ने मुझे बताया कि वो आए थे और आपका सामान मांग रहे थे तो हमने देने से इनकार कर दिया. हमने कहा जब तक हमें उनकी इजाज़त नहीं होगी क्योंकि जब वो यहाँ आई थी तो उन्होंने हमें खास सिक्योरिटी की हिदायत की थी तो हम नहीं दे सकते. आप उनसे फ़ोन भी कराएं और उनके साथ. वो क्या सामान था? मैं अपना जो भी सामान था पीछे छोड़ के गई थी. घर का सूट केस थे ना दो. तो वो तो ये घर में पड़ा था सामान. मतलब मैंने वहाँ शलवारें कमीजें कुर्ते कहाँ पहनने थे? अक्टूबर का महीना था. ठीक है ना. तो वो पर इस घर में जो सामान था वो इस घर में ही रह रहे थे आपके हस्बैंड? फर्नीचर तो सारा यही था ना. तो आपके हस्बैंड इस घर में ही रहते थे? वो इसी घर में रहते थे. अच्छा. मैं जब चली गई तो वो पीछे से उनको सब जाहिर है उनको बिना खो गई होगी. जब मैरियट ने इनकार कर दिया सामान देने से तो उसके बाद उनकी टांगें टूट गई. वो फौजियों ने तो सुनने में आया है नहीं कि वो कोई डांगरियां पहने हुए सिक्योरिटी गार्ड थे KRL एरिया में. वो बर्ड वॉचिंग कर रहे थे उधर KRL एरिया में जा रहे बर्ड वॉचिंग. तो अब उन्होंने देखा बीवी भी सेफ्टी में है वहाँ पे. उसको हार्वर्ड में जॉब मिल गई है पढ़ाई की बच्चा भी है. तो उन्होंने इसकी दोनों टांगे तोड़ दी. अच्छा. इसको काफी अरसे से अपेरेंटली ये कौन से साल ये वॉच कर रहे थे? यही 2000 का. और ये कुछ खबरें भी चली थी किसी गैर मुल्की की टांगे तोड़ी हैं वहाँ पे. अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर इनको पता चल गया कि मेरी एक सास जो है कैथरीन उसका नाम है और वो बड़ी अच्छी उससे इक्वेशन थी.
उसने मुझे बॉस्टन में पैगाम बताया कि द मैन इन द फैमिली आर वेरी एंग्री विद यू, और उसने मुझे एक कहावत भी लिख के दी एक मैसेज में, और साथ में उसने एक मैसेज भी कि यू बी केयरफुल। आपकी सास ने? सास, इसकी माँ। अच्छा, व्हाई दे आर एंग्री मैन इन द फैमिली, व्हाई वो क्यों एंग्री थे ये नहीं लिखा। फिर क्या हुआ, फिर ये टांगे ठीक हो गई आपके हस्बैंड की? उसके बाद मैंने कभी उनको नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं। एक दफा हार्वर्ड एरिया में, हार्वर्ड में एक साइंस सेंटर बिल्डिंग है, उसके बाहर मैं वापस आ रही थी पढ़ा के अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को डे केयर से उठा के, तो मुझे लगे कि ये मेरा खावत है। मुझे देखते ही वो शख्स नीचे बैठ गया और अपने लेसेस टाई करने लग पड़ा, तो उसका उसने अपना सर यूं कर लिया जिसमें से आपको शक्ल नजर नहीं आती, लेकिन मुझे लगे वो शाम का वक्त था, धुंधला सा अंधेरा हो रहा था। क्या वो जिंदा है अभी? तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो मर गए हैं ना, उनका तो डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया है। कैसे मरे हो? वो मैं हार्वर्ड से बॉस्टन से अपने बेटे को लेके, मुझे सिर्फ एक चीज की अब फिक्र थी कि इस किस्म के इंसान से पनाह लेने के लिए सिर्फ डिवोर्स काफी नहीं होती, वो बच्चे का विजिटर बनता है फिर, और माँ को बाय लॉ बच्चे को उसके साथ जाने की इजाजत देनी पड़ती है, ठीक है, वरना जज साहिबान बीच में आते हैं। तो है। मुझे अब जज साहिबान को और जुडिशरी को ये एविडेंस पेश करना है कि जी इस वजह से मैं अपना बच्चा लेके इससे अलहदा हो रही हूँ, ये है। तो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ था, मुझे पुलिस से उस बच्चे की तदफीन, उसकी माँ का इंटरव्यू, जो बाप मरा था उसका पूरा शजरा, पुलिस रिपोर्ट चाहिए थी, मिल गई। वो नहीं जब दे रहे थे तो मैं वापस आ गई, और ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, वापस आने से पहले मैंने अजीज मिर्जा को टेलीफोन किया, वो अभी तक नेवल चीफ। अजीज मिर्जा जी, ये जो नेवल चीफ थे, पहले थे उस वक्त? उस वक्त भी थे, अभी उस वक्त थे। आपने ये फोन कौन से साल में किया? नहीं, मेरा ख्याल में हाँ थे, उधर ही बैठते थे, पता नहीं। बहरहाल एक साल के तो वफा हुआ, 2000 ही की बात है, अभी 2000 वो अभी भी नेवल चीफ थे। 2000 जफर मिर्जा या अजीज मिर्जा? सॉरी, अजीज मिर्जा, ठीक है, अब जफर तो शायद बात किया, ठीक है। वो 2000 वो सितंबर 11 हो चुका था। हो चुका जी। तो आप वापस आ गई? मैं वापस आ गई सितंबर 11 के फौरन बाद, वहां पे काफ़ी मुश्किलात भी थी और मुझे वहाँ अगर रहना था तो मैंने फिर अजीज मिर्जा को फ़ोन किया कि जी आपने वो सिक्योरिटी गार्ड्स और उनसे सबसे रिपोर्ट ली है, उनसे पूछें कि उसके पीछे कौन था, मुझे लगता है मेरे खावन ने उनको हुक्म किया था। आपके खावन इधर ही थे? मुझे ये नहीं पता वो कहाँ थे, वो पाकिस्तान ही में थे, ठीक, ओके, अकॉर्डिंग टू यू नो द इंफॉर्मेशन। अरेस्ट करें, इस घर में नहीं रह रहे थे, इस घर में जहाँ छोड़ के गई थी यहाँ पे नहीं थे। अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन वो जहाँ उनका ऑफिस था वहीं पे जाके सोना शुरू कर दिया था। नेपरा? नहीं, डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव में ऑफिस था, अच्छा, हमारा कंसल्टिंग फर्म का। अच्छा, उधर ही सोते थे? अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ? मैं चली गई तो वो भी यहाँ से भी, तो उन्होंने मुझसे बहुत ही अच्छी बात कही थी जो मुझे उस वक्त समझ नहीं। किसने? नेवल चीफ ने। अच्छा, उसने फोन पे कहा कि अच्छा हम ये करेंगे गार्ड से भी, और मैंने कहा जी फिर मैं वापस आती हूँ क्योंकि मुझे इस अशद ज़रूरत है इस इन्वेस्टिगेशन और इस रिपोर्ट की, पुलिस रिपोर्ट की। तो कहने लगे कि आप वापस ना आए, आप अपने करियर पे कंसंट्रेट करें। अब आपको एक शख्स कह रहे हैं अपने करियर पे कंसंट्रेट करें, वो आपको शायद ये बता रहे हैं कि अब आप सिंगल पेरेंट हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस वक्त तक इस घर में कौन था, ये किसके पास था आपका घर? ये राजा त्रिदेव रॉय संभाल रहे थे, अभी तक उनकी कस्टडी में था। उन्हीं की कस्टडी। अच्छा, अमानत के तौर पर? अमानत। और वो डॉक्यूमेंट्स की ओनरशिप के नाम आपके था या आपके पेरेंट का था अभी तक? नहीं, सीडीए मेरा नाम था, मुझे कंप्लीशन रिपोर्ट अपने घर की मिल चुकी थी, मेरे नाम सब बिल आते थे। ओके, तो अब आपने कहा कि मैं वापस आने चाहती हूँ, नेवल चीफ ने कहा आप ना आए, तक आपको आने की कोई जरूरत नहीं, ठीक, मगर मैंने एक नहीं मानी, गलती की, वापस आ गए। मैं वापस आ, क्या जो ही मैं वापस आई एम्बेसी ने कहा ये मर गया है, आप डिवोर्स्ड हैं, तलाक है आपकी, डिवोर्स खरीद ली वहाँ से, बिल्कुल फ्रॉड। और एम्बेसी ने कहा कि मर गए आपका, यूएस एम्बेसी ने, हाँ, और आप और हम तो बॉडी का है, बॉडी हमने क्रीमेट कर दी है, क्रीमेट कर दी, क्रीमेट कर दी। अब जाहिर है कि हमारी मिलिट्री, यूएस एम्बेसी ने कहा, यूएस एम्बेसी, अच्छा, तो मेरा ख्याल में हमारी कि उनकी बॉडी जला दी गई है, और मे बी ये उनकी वसीयत थी तो इसलिए
वसीयत उन्होंने कोई नहीं की थी कि मेरी बॉडी होगी, उनको क्या पता था वो मरने वाले जवानी में, नहीं तो क्रीमेट क्यों की वही ना, मैंने यही कहा कि मैं बीवी हूँ, किसी की मेरी इजाजत के बगैर आप कैसे क्रीमेट कर सकते हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा आप बीवी नहीं है, नेक्स्ट ऑफ किन उसके माँ बाप है, आप तो तलाक याफ्ता। अच्छा, आपको वो डिवोर्स हो चुकी थी, ये यूएस एम्बेसी ने कहा? हाँ, उसी वक्त। तो आपने मांगा डिवोर्स पेपर के? कितने? मैंने कहा जी मुझे कोई डिवोर्स ना मिली, ना कोई पेपर, ना कुछ, ना कहा। और मैंने तल्ख कलामी की एम्बेसी उससे काउंसलर से टेलीफोन पे। वो ऐसा क्यों कर रही थी अमेरिकी एम्बेसी? वो मुझे कहने लगा ये आप अमेरिकी एम्बेसी से पूछें कि कहीं आप उनके वारसों की तरह उनकी प्रॉपर्टी में जायदाद में हिस्सा ना मांगे। पता नहीं इनकी क्या जायदाद थी और बीवी को हिस्सा देने से वो क्यों घबरा रहे थे। बट क्योंकि अमेरिकन लॉ के तहत तो आपको शेयर मिलता है ना, तो इसीलिए शेयर नहीं मिलता अमेरिकी लॉ के तहत, हर चीज के हकदार सिर्फ बीवी होती है। सिर्फ बीवी होती है, तो उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि एक पाकिस्तानी खातून जो है एक ऐसे शख्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे कि जो शख्स शायद अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए कुछ खास काम करता था और उससे उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो सकती थी, अमेरिकी फैमिली। उस वक्त मेरे पास इधर E7 में एक अंग्रेज आया। किस वक्त? जब तल्ख कलामी एम्बेसडर के साथ, एम्बेसडर नहीं काउंसलर के साथ मैं कर चुकी थी टेलीफोन पे कि मैं उसकी बीवी हूँ, ये उसका बच्चा है, आप कैसे क्रीमेट कर सकते हैं, फिर क्या और डिवोर्स का क्या एविडेंस? कौन अंग्रेज था? मैंने तो देखी नहीं थी डिवोर्स, ना ही कुछ उसका नोटिस मिला। तो वो गोरा दस के वो मैं कॉटेज में कॉटेज में आपको लेके गई ना जिसका तबा, उसमें मैं अपने बेटे के साथ उसमें मैं अमेरिकन एम्बेसी से एक गोरा साहब जो है, ये भी मैं नहीं कह सकती कि वो एम्बेसी से आए कि नहीं। कौन थे? उन्होंने मुझे कोई विजिटिंग कार्ड अपना नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि द यूएस गवर्नमेंट for which your husband worked will not allow you to inherit anything, so you better not move in this direction. America mein aap mat jaye, unhone kya kaha? Ye nahi kaha ki America mat jaye, unhone kaha ki aapko kuch nahi, threaten kar chuki thi aur abhi abhi mara tha, to agar main move karti to main har cheez ke upar stay le sakti. Magar aapko koi death certificate dikhaya gaya? Death certificate bhi nahi diya, jo ki aap biwi ko hamesha dete hamesha taki wo social security ke liye apply kar sake, वो भी नहीं दिया। बस इसके बाद मैं परेशान। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे चाइल्ड के लिए होंगे। ये उस अमेरिकन ने कहा? हाँ। कि आपके बच्चे को नतीजे भुगतना है, धमकी लगाई आप? धमकी के बच्चा छीन लेंगे। अच्छा, बिकॉज ये अमेरिकन नेशनल है? नहीं, नॉट बिकॉज इज अमेरिकन नेशनल। हाँ। अगर तुमने अपने हकूक के लिए इस वक्त खड़े होके लीगल बैटल की और हमारे एम्बेसी में जाके एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से हमें रोक देनी पड़ेगी उसकी तजहीज़ और तफकीन, उसकी एशेज, उसका सब कुछ, वो तुम्हारे हवाले करना, वो तुम नहीं करो। अच्छा, ये क्या कि वो चला गया, ये नहीं पता कौन था, क्या नाम था, ना अपना कार्ड दे के गया ना नाम बताया, लेकिन यकीनन अमरीकी था। और ये मीटिंग जो हुई, इस मीटिंग में कोई और भी मौजूद था आपके साथ? बिल्कुल, वो था और मैं और मेरा बेटा, नोबडी एल्स। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। फिर क्या हुआ? गाड़ी भी लगता था, नंबर प्लेट है जो मैंने जानने की कोशिश की, तो बाहर बहुत अंधेरा था, रात थी। डिप्लोमेटिक गाड़ी थी या क्या? मुझे लगे डिप्लोमेटिक, उसी रंग की लग रही थी। और रात के टाइम आया था वो? रात के। तो आपने ये चीज किसी से शेयर की यहाँ पे पाकिस्तानी अथॉरिटीज से, हुकाम से? मुझे बाद में पता चला और पाकिस्तानी हकाम से ही पता चला कि वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में मेजर था और यहाँ पे स्पाइंग करने आया था और मेरी शादी को एज़ अ कवर यूज कर रहा था और उसका इंटरेस्ट कहूटा में था। आपका हस्बैंड ब्रायन सैमन, मैं अब उसको अमेरिकन डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में मेजर था, मेजर जो कि काफी सीनियर रैंक होते हैं। और उसने कॉलेज में आपके साथ पढ़ाई की? कॉलेज में पढ़ता था। He was young. He was not recruited then. मेरे सामने तो कोई recruitment नहीं। लेकिन उसने आपके साथ contact बनाए और उसको बाद में Mobil Action मोबिल के नाम से एक दफ्तर में उसको recruit किया गया और आप उसको शायद ये assignment मिली हो कि आपके साथ उसने relation develop कर ली। क्योंकि पूरा खानदान बहुत अच्छा था, उसके माँ बाप भी। उसके माँ बाप को पता था कि वो किस इदारे के लिए काम कर रहा? बाद में मुझे पता चला कि उसके बाप को पता था और माँ को, बाद में जब मैं कोर्ट में गई, इनको बुलाया मैंने कोर्ट में जब मैं गई तो उसमें एक, कौन सी कोर्ट में? फेयरफैक्स काउंटी कोर्ट, अमेरिका में। अमेरिका में। तो वहाँ पे क्या पता चला आपको? वहाँ पे जाके मैंने इनको सू किया कि जी मेरा बच्चा है, मैं इसको कैसे पालूंगी, ये सब कुछ निकाल के बैंक से आ गया और ये
वहाँ के कोर्ट ने मुझे फिडुशियरी का सर्टिफिकेट दिया, यानी देवकी का और तमाम हकूक और वाहिद इसकी। अमेरिका की जो लोअर कोर्ट है, क्या कहते हैं उस अदालत को? फेयरफैक्स कोर्ट। फेयरफैक्स कोर्ट, काउंटी कोर्ट। काउंटी कोर्ट, उसने आपके हक में डिक्री कर दिया। उसने मेरे हक में डिक्री कर दिया कि ज़ीनिया सत्ती इज द सोल फिडुशियरी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड ब्रांट साइमनसन। आप वारिस हैं, तो फिर क्या हुआ? And the power of fiduciary is in full force. ठीक है, फिर क्या हुआ? ये सर्टिफिकेट लेने के बाद अब निकलवाए कौन इनसे? वर्जीनिया वालों से। तो और फिर मुझे फ़ोन भी आ गया एक लॉयर का, उसका नाम था अमेरिकी लॉयर। हाँ, नाम मुझे भी याद आएगा। ठीक है, अमेरिकी लॉयर। हाँ, वो खुद से मुझे फ़ोन कर रहा है। क्या कहा उसने? मैंने उसको कोई नहीं बताया था कि मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। उससे पहले एक छोटी सी कंसल्टेशन उससे की थी कि मेरा ये मसला है तो आप केस लेंगे। जो ही मुझे ये मिला वो खुद मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आई नेवर टोल्ड हिम दैट कि मुझे ये मिल गया। मुझे कहते हैं कि लिसन, व्हाट डिड यू टेल देम अबाउट द एस्टेट ऑफ योर हस्बैंड? आई सेड, टेल हू? द फेयरफैक्स कोर्ट। के व्हाट वाज ही एंड व्हाट वाज ही डूइंग? तो मैंने कहा, हु टोल्ड यू? नो नो, जस्ट आंसर मी, यू नो आई एम इंटरेस्टेड इन योर केस, सो ऑब्वियसली आई वांट टू गेट द फैक्ट्स। सो मुझे कहते हैं, आई सेड ओके, आई हैव दिस लेटर व्हिच सेज दिस, व्हाट डिड दे पुट डाउन एज द एस्टेट ऑफ योर हस्बैंड? एस्टेट मींस उसकी विरासत। ओके, क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी, इंफॉर्मेशन क्या? कहते आपने क्या कहा और उन्होंने क्या लिखा? जब उसने ये कहा तो आपने पढ़ा पेपर लेटर? नहीं, वो तो पहले भी पढ़ चुकी थी, मैंने इसको बताया नहीं था। खुद से मुझे फ़ोन कर रहा है और इस चीज़ में बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहा कि अब मैंने आपको रिप्रेजेंट करना है, आप मुझे बताइए, मैं ये कंप्लेंट लिख रहा हूँ, इसकी डिटेल्स बताइए। मुझसे मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं पूछ रहा जो कंप्लेंट के लिए उसको चाहिए होगा, लवाजमात बाकी नहीं पूछ रहा। तो आपने क्या, आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने क्या लिखी इसके ऊपर? तो मुझे समझ आ गई कि ये तो इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे, मेरे लिए तो नहीं कर रहा। और मैंने इसको बताया नहीं तो उसको किसने बताया? फिर देखिए, ये आपने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैंने बताया, मैंने कहा मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। यू डोंट नो एनीथिंग। फिर क्या कर? आई डोंट। ओके, सो यू गेव देम नथिंग। बस फिर उसके बाद एक और लॉयर के पास की, वो लॉयर भी आगे से फिर वो चीज़ें शुरू होगी जो पाकिस्तान में रिपीट हो रही हैं अब। हाँ। जिस लॉयर के पास जाती हूँ पीठ में छुरा घोम के रिप्रेजेंटेशन से इनकार कर देता है, जिस लॉयर के पास। इसके ऊपर अच्छा। मैंने फिर एक, चलिए पाकिस्तान के ऊपर तो आते हैं, अमेरिका से फिर आपको कुछ मिला प्रॉपर्टीज? फिर जब ये बात हुई तो उसके बाद में उन्होंने मुझे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे दिए, बच्चा था वो फॉरन में गए। ठीक है, इससे फिर मैं फिर कोर्ट में गई कि मुझे उसकी इस्टेट में से सब कुछ चाहिए, तो बच्चे के लिए है ये जो सोशल सिक्योरिटी दे रही है, मैं इसको पालूंगी इस पैसे के ऊपर, तो मेरी ज़िंदगी क्या, जब पाल को उसके बड़ा होगा मैं क्या करूँगी? तो वो उसके लिए डीसी के कोर्ट में दावा खुद दायर किया, तो मुझे एक टेलीफोन एक लॉयर का आया, मेरिल गॉडफ्री। उसने कहा कि हम आपके केस को लेते हैं प्रो बोनो। तो आपका केस क्या था? केस ये था कि यूएस गवर्नमेंट जो है, अब तक पता चल चुका था ना कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का, कि ये तो मिलिट्री ऑफिसर है तो मिलिट्री के तो बेनिफिट्स होते हैं, तो मुझे बेवा को देते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट जो यूएस मिलिट्री है वो इस बंदे के बेनिफिट्स विडो को दें, उनको विडो को देने चाहिए। आपने ये दावा किया? नहीं, दूसरी एक और बात हुई, मेरा बेटा डे केयर में था अमरीका में, 5 साल की उम्र में, इसको वहाँ पे सेक्सुअली असॉल्ट किया। अमरीका में? अमरीका। ओके, फिर क्या उसकी कंप्लेंट हुई? उसकी कंप्लेंट जब पुलिस को की तो पुलिस ने उसको हॉट पोटैटो की तरह कंप्लेंट फेंक दी, और जो उनके होते हैं सारे चीजें, अमेरिकन पुलिस ने भी इसको, उसको वो मेडिकल एग्जाम, ये वो सब अंकारी हो गए करने से। अच्छा, उसके बाद मेरे लिए क्या बहुत, बहुत बड़ा ट्रॉमा था, पुलिस मुझे बता नहीं रही थी। ये कौन सी काउंटी की पुलिस थी? ये थी फेयरफैक्स काउंटी, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सेफ्टी। मैं उस जमाने में फेयरफैक्स में रहती थी। उन्होंने भी इनकार कर दिया इसको इन्वेस्टिगेट करने से? कभी इधर मुंह छुपा रही, कभी उधर मुंह। लेकिन क्या एविडेंस क्या था इस क्राइम का आपके पास?
the child, his statement, his injury, everything was there. Medically proven था? नहीं, medical नहीं करा रहे थे और medical कराने के लिए police ही कराती है. तो उन्होंने नहीं कराया? जब उन्होंने नहीं कराया तो मैं इसको गाड़ी में डाल के अकेली बिल्कुल दुनिया में. अभी मेरे साथ ये सब हालात हो गए. आप हॉस्पिटल गई? अपने बच्चे को लेके खुद पहले फेयरफैक्स चाइल्ड सेफ्टी हॉस्पिटल में गई. वहाँ पे वो कहने लगी पुलिस आएगी तो हम करेंगे, हम उसके बगैर नहीं करते. वो मैंने रोना शुरू कर दिया. मैंने कहा जी व्हाट इफ द चाइल्ड इज हर्ट इन हार्म्स वे. फेयरफैक्स काउंटी के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हॉस्पिटल ने भी ट्रीट नहीं किया. यू देन हैव टू ब्रिंग द पुलिस इफ दैट इज द केस. पुलिस को बुलाया? पुलिस मुकर जाए. फिर चाइल्ड हेल्प यूएफए को फोन किया, उनसे बात की, उससे भी कुछ नहीं बना. फिर मैंने सोचा मैं तो यहाँ की, मैं तो बॉस्टन की हूँ, तो ये तो मेरे लिए सारा सेटअप नहीं है, तो मैं बॉस्टन जाती हूँ. बॉस्टन अपने बेटे को बैठ के गाड़ी में चला के गई. अल्लाह सुभान, इतनी लंबी वहाँ की ड्राइव, एग्जिट भी भूल गई. 14 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पहुँची. सुबह बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में गई. वहाँ पे मेरे से मिली एक नर्स और इन्होंने मेरे साथ सेटअप किया था. बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुझे भेजा. चाइल्ड हेल्प यूएसए में जिससे मेरी बात हुई थी उसने मुझे कहा कि लुक हियर, इफ योर हस्बैंड वाज डूइंग दीज थिंग्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इन वर्जीनिया डीसी एरिया फॉर यू टू गेट जस्टिस, व्हाई डोंट यू गो टू बॉस्टन. बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वहाँ पे एक नर्स बैठी हुई थी तैयार मेरे लिए. उसने मेरे से जो स्टेटमेंट ली उसको फॉल्सिफाई करके अपनी रिपोर्ट में लिखा. सब चीज जो आपने बताया वो झूठ लिखा, सब झूठ उसने लिखा. उसी वक्त उस झूठ के ऊपर मैंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के सुपरवाइजर को एक खत लिखा कि जी ये झूठ है और ये स्टेटमेंट झूठ है, वो राइट अवे करना जरूरी हो, मैंने समझा. तो आपकी लड़ाई तो फिर अमेरिकन गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट से भी हो गई. तो अमेरिकन गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ने जब मेरा ये हशर किया तो उसके बाद जब चाइल्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बच्चे को वो लीगल प्रोटेक्शन नहीं दी जो अमेरिका के लॉ में दी जाती है हर बच्चे को, तो मुझे समझ आ गई कि ये तो ये अब बच्चा है, मैं हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, शायद मैं मुसलमान हूँ इसलिए ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, जो भी रीज़न है ये मेरे साथ ये कर रहे हैं. और ये कौन सा साल था? 2003. कपल ऑफ इयर्स आफ्टर 9/11. 9/11 के 2 साल. तो साथ में मेरे बच्चे के ऊपर हरासमेंट की जो विटनेस हरासमेंट नहीं होती क्योंकि ये भी तो चाइल्ड विटनेस टू द क्राइम. बट हु वाज द परपेट्रेटर, जो आपने इल्जाम लगाया? परपेट्रेटर वाज अ पर्सन हु केम टू रेंट दिस प्रॉपर्टी ऑफ माइन, सो विद दैट रेंट आई कैन लीव फॉर यूएसए. साइबा मोहसिन जो मुझे रेंट दे रही थी उससे कई ज्यादा उसने ऑफर किया था, जिसकी वजह से मैंने उसको प्रेफर किया क्योंकि मुझे इतने पैसे मिल गए थे कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वापस फ्लेचर में जाके अपने लिए अपने पेज. लेकिन जो बच्चे से जिसने मुबैना तौर पे ज्यादती की वो शख्स पाकिस्तान में था, यहाँ पे आया मेरा ये रेंट करने के लिए और वो पाकिस्तानी ओरिजिन का अमरीकन था. और फिर वो अमरीका में आपसे क्यों मिला जाके? वो और मुसद्दक मलिक, ये दोनों मुझे अमेरिका में उस बंदे की माँ के साथ मिलने आए. माँ भी साथ थी. मुसद्दक मलिक अब हमारा, यू मीन द सेनेटर मुसद्दक मलिक? सेनेटर अब वो नून लीग के जो है. नून लीग के जो ये दोनों मिलने आए आपके पास, क्यों मिलने आए? उसकी माँ भी, उसकी सारी फैमिली, और उन्होंने, माँ ने कहा कि आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत हो अपने बच्चे के सिलसिले में, मैं आपकी तैयार हूँ करने के लिए. किसकी माँ? उस टेनेंट की माँ ने? उस टेनेंट की माँ. मुसद्दक मलिक के उस शख्स से क्या ताल्लुक था? ये दोस्त थे, फ्रेंड थे. और ये आपसे मिलने आए और मुसद्दक मलिक ने कोई बात की आपसे? इन सब ने बात की. फिर मैंने कहा क्या वो आपके घर के बारे में कुछ बातें कर रहे थे? नहीं, घर की अभी कुछ बात नहीं शुरू हुई. मैंने कहा जी मुझे तो डीसी जाना है, वाशिंगटन डीसी में, ये इस केस के सिलसिले में जिसमें ये लॉयर्स वॉयर्स ही करें. वो कहने लगे आप जाएंगे तो मैं, मेरा तो डे केयर है, मैं सर्टिफाइड डे केयर हूँ. और मैं, वो जो आपका टेनेंट था? नहीं, टेनेंट नहीं, उसकी माँ. अच्छा, उसने कहा मेरा डे केयर है? हाँ, और टेनेंट ने कहा कि मेरा तो वर्जीनिया में अपार्टमेंट भी है तो आप हमारे पास रह सकती हैं और मेरी अम्मी आपके बच्चे को डे केयर देंगी, और वो सर्टिफाइड डे केयर है. okay. और साथ में उन्होंने मुझे ये, आप समझती हैं कि ये लोग भी अमेरिकन गवर्नमेंट के भेजे हुए लोग हो सकते हैं? जी मैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा एक बेटा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में है और मेरी बेटी भी NYPD में है, तो मुझे इससे ज्यादा सेफ घराना ही नहीं लगा.
अच्छा, तुम सदक मलिक और आपका जो पाकिस्तानी टैलेंट है ये आपके पास आया और कहा कि मेरी वालदा का डे केयर सेंटर है, उनकी वालदा ने कहा, तो डे केयर सेंटर के अंदर किसने ये ज्यादती की? मैं फिर इसको छोड़ के ये जा रही थी फिड्यूशरी सर्टिफिकेट उनके पास जाना, उससे पहले लॉयर्स के पास, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला। फिर आपको कैसे पता चला कि वाकई हुआ? बच्चे ने कैसे, कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चा 5 साल का था, बच्चे ने मुझे सब डिटेल्स में बताया। उसके बाद ये ड्रॉ भी करते हैं बड़ा अच्छा, तो इसने ड्रॉ भी करके बताया कि ये क्या चीज़ सारी, वो सब जाके पुलिस को दी, पुलिस टस से मस नहीं हो रही थी, सारा एविडेंस उनके पास था। उसके लेकिन इसने कैसे बताया कि किसने किया? इस बंदे के साथ जो मैंने गुफ्तगू की थी उसको मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, रिकॉर्ड जो गुफ्तगू की थी ना मैंने, वो जो टेनेंट था आपके पास जी, उसमें उसको मैंने कहा था कि मैं अपने ससुराल से रब्ता करने वाली हूँ, यहाँ फिड्यूशरी का सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसने तिलमिला के मुझे कहा एब्सोल्युटली नॉट, नो वे। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगा यू, फिर कहता है लुक दे आर योर एनिमीज, एनीथिंग यू डू मस्ट बी थ्रू अ लॉयर, ये सारे लॉयर्स की तरफ है, एनीथिंग यू डू मस्ट बी थ्रू अ लॉयर, यू डोंट कॉल हिम, यू डोंट राइट टू हिम। ये पुलिस को मैंने दिया रिकॉर्डिंग कि मैंने कहा जी बेस्ड ऑन माई चाइल्ड स्टेटमेंट, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ब्लडी अंडरवेयर वॉज देन रिमूव्ड, बेसिकली समबडी इन दैट हाउस स्टोल इट ऑफ माई चाइल्ड, and based on what my child is telling me very clearly because he is after all 5 years old, bahut chota nahi hai, aur mera beta bahut hi zehin bachcha jo abhi tak zehin hai, but you were you confirmed it that something happened to him ji, main foreign police ke paas gayi, nahi did you physically examine him also as a mother? Nahi ji, hamare examination se kuch pata nahi chala, lekin ye ke he said something and how did you know ke who did it? aur ye jo physical examination hai aap khud kabhi karte bhi nahi, balki psychological questioning bhi aap nahi karte, exactly, lekin how aapne ye kaise presume kiya ke kis shakhs ne ye kiya? mere bete ne nahi pata, उसने पॉइंट आउट किया इनको, टेनेंट को जो आपके पाकिस्तान में थे कि ये आए थे, कि ये आए थे सब, कौन उसमें किस जिसामत का कौन, एनीवे देयर वाज नो सैंपल, नो टेस्ट, नो लैब, पुलिस ने किसी, नो डीएनए, पुलिस ने बिल्कुल, उसके बाद में पुलिस को इस बारे में, बट आपने ये सारी कंप्लेंट इन राइटिंग करती नहीं है अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन पुलिस को? जी, उसकी रिकॉर्डिंग्स है की हुई, सर्जेंट डैरल बूम था, जब पुलिस ने ये नहीं किया तो मैंने इंटरनल, क्या उन्होंने कोई फाइंडिंग दी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी बॉस्टन में जान गई आप? अपनी रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई, जिस बंदे ने ये बात करने से इनकार कर दिया था कि मैं एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगा, तो उसके साथ मेरी ऑल्टरकेशन हुई कि तुम्हारे पास एक माँ आ रही है, वो छोटा बच्चा है, तुम्हें ये बात बता रही है, तुम क्यों नहीं एग्जामिनेशन कराते, इसमें क्या किसकी खराबी है? तो मुझे कहने लगा कि इसलिए कि तुम अपनी रिपोर्ट में कह रही हो कि मेरा ससुर इसके पीछे है, तो मैंने कहा कि देखो मेरे जिसके ऊपर जाना है सस्पेक्ट, मैं उसी को कहूंगी ना। नहीं, आपने अपने ससुर को एक्यूज कर दिया? मैंने उस पुलिस के रिपोर्ट, इस बच्चे के साथ ज्यादती का मतलब, मैंने कहा इसके पीछे वही होगा, क्योंकि जिस तरीके से मेरा बच्चा मुझे बता रहा है उनकी गुफ्तगू क्या थी, इससे लगता है उनको किसी ने इस काम पे लगाया था। बच्चे ने क्या बताया आपको? 5 साल का बच्चा क्या बता सकता? बच्चा कहता है कि जब उन्होंने ऐसा किया मुझे पेन फील हुई, तो उनमें से एक ने, एक देख रहा था दूसरा, तो उसने कहा कि गुड यू डिड इट, यू हैव डन इट। मुझे एकदम समझ आ गई कि ये तो इनके पीछे कोई, तो जाहिर है वो उस, मेरी सास का पैगाम कि मैं ना रह गई। फिर उसके बाद आप अमरीका से आ गई? नहीं, उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं, आने का, ये 5 साल का था, ये हालात थे, तो बच्चे को लेके पाकिस्तान आती, दिमाग खराब था, जब पाकिस्तान में देख चुकी थी कि एक बच्चे के मामले में रियासत किस तरीके से एक्ट कर रही है, तो क्या किया? तो मैंने इसको लेके फिर इसकी हरासमेंट शुरू हो गई, ये जहाँ जाता था चाइल्ड हरासमेंट, मर्द खड़े होके ऐसी ऐसी हरकतें, खुदा की पनाह। तो मैं फिर इसको लेके वर्जीनिया से डीसी में चली गई, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरा शहर में चले, मतलब ये कौन लोग थे जो हरास कर रहे थे आपके ख्याल में? ना अपने आप को हमसे आके हाथ मिला रहे थे, ना अपने आप का तारुफ कर रहे थे, वो स्ट्रेंजर से, अमेरिकन से, सब अमेरिकन से, नो पाकिस्तानी, नो, ऑल ऑफ देम आर वाइट अमेरिकन, वर्जीनिया से फेयरफैक्स से निकल के डीसी में। जब ये आपके टेनेंट जो पाकिस्तानी है मुसद्दक मलिक के साथ आपके पास आए, तो उसके बाद दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई आपकी? मुसद्दक ने फिर एक दफ़ा टेलीफोन किया, और मेरा पीछे यहाँ घर मोहसिन खालिद था, घर में टेनेंट मेरा, इसको मैं देके गई थी अपना घर किराए पे, किराए पे। मोहसिन खालिद क्या करते हैं? मोहसिन खालिद की कोई स्टील मिल है, ठीक है, खालिद जावेद। तो मुसद्दक मलिक ने क्यों फोन किया आपको? मुसद्दक ने फोन किया कि तुम मोहसिन खालिद को अपने घर से निकाल दो। भाई क्यों निकालो, शुक्र है ये टेनेंट है, क्यों निकालो? मुसद्दक मलिक क्या चाहते थे? वही ना, मुसद्दक का इसमें वो चाहते थे, ये जो बाद में हुआ नियाजियों का कब्जा, मुसद्दक मलिक चाहते थे जी। जब मैंने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने आगे से कुछ नहीं किया, तो
तो अब मेरे पास एक और ऑप्शन था, वो ये कि लॉयर करूँ और सिविल केस करूँ वाशिंगटन डीसी के कोर्ट में। और जिस ये बच्चे के हवाले से, जब पुलिस ने कुछ नहीं किया, बच्चे के हवाले से तो आपने सिविल केस किया, तो उसके लिए मुझे लॉयर्स की फीस चाहिए थी। और मेरा घर किराए पे था और जो किराया मिलता था उससे मुझे इकट्ठा जब मिलता था तो वो 6,000 या $12,000 मिला करते थे, तो उससे मैं लॉयर कर सकती। तो उन्होंने अब ये खत्म करनी थी मेरी, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू चेज यू, पाकिस्तान के अंदर भी आपको मुश्किल। वो मेरे उनको समझ आ गई कि ये अब तो अमेरिका में ही बैठ के अपने डीसी में शिफ्ट कर दीजिए, वहां मैंने अपार्टमेंट किराए पे ले लिया। मैंने जो तो यहाँ से फिर मोहसिन अजीज को आपने निकाल दिया क्या? मैंने नहीं निकाला। हाँ। मसदक ने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको निकाल दूं, मैंने नहीं निकाला। मसदक ने फोन किया जो कि रिकॉर्डिंग उसने छोड़ी कि जीनिया आई डोंट नो दिस गाय, आई टॉक टू हिम, आई एम टेलिंग यू तुम्हारे घर में कब्जा करेगा। मैंने कहा सदक जब तो मैंने निकालना होगा मैं निकाल दूंगी, आप उसको कब्जा कर लें। चले फिर क्या हुआ उसके बाद? बच्चे की हेरासमेंट तो मैं लेके डीसी में एक अपार्टमेंट में बंद होगी। पहले एक जज के पास गई, जज को बताया जी अब बच्चे के साथ ये हो रहा है, वो चाइल्ड विटनेस है, वो बहुत छोटा है, ये तो डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होगा उसके ऊपर, तो आप मुझे प्लीज इजाजतनामा दें कि मैं एक कैमरा है वो अपने बच्चे को भी पहनाऊँ, खुद भी पहन के फिरूँ। तो जज साहब कहने लगे ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, मैं वर्जीनिया में जज हूँ, तो आप डीसी के जाएंगे कोर्ट में। डीसी में मुझे लॉयर ने फोन किया कि मैं आपका केस लूंगा, मैरिल गॉडफ्रे ने, उसने केस ले भी लिया, वाशिंगटन डीसी के कोर्ट में डाला उसको। मैंने कहा अब लिखो कि मेरे चाइल्ड के ऊपर इन्हें सेक्सुअल असॉल्ट कराया वाली वाज इन डे केयर और वो छोटा 5 साल का है, और पुलिस को रुकवा दिया उन्होंने और मुझे अपने ससुर पे शक है। तो वो और पुलिस मुझे कह रही है कि तुम्हारा ससुर CIA में काम करता है। तो मैंने कहा अगर वो काम करता है, आपके ससुर जो आपके हस्बैंड के पाकिस्तान की, बच्चा है उसका उसके साथ, और वो बिल्कुल अकेली। क्या नाम था आपके ससुर का? विलियम साइमनसन, वो जिसको शीरीन मजारी लिखी थी कि अल्लाह हर पाकिस्तानी लड़की को ऐसा ससुराल दे, वो उनका ये कच्चा छठा। अच्छा वो पाकिस्तान में पोस्टेड रहे विलियम? नहीं कभी भी यहाँ पोस्टेड नहीं रहे। आपकी उनसे मुलाकात रहती थी? फिनलैंड में होते थे। आपकी मुलाकात कभी उनसे होती थी? ये जो आपके ससुर खावन से फॉलिंग आउट के बाद एक दफा क्या कहा? बच्चे को लेके जब मैं वहां गई तो उनको खत लिखा मैंने कि जी मैं यहाँ हूँ, मैं इस एड्रेस पे हूँ, और मेरा जहेज जो था ना वो वेडिंग रजिस्ट्री जिसको कहते हैं वो सारा उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, जो मैंने खुद ही उनके पास रखवाया था, पाकिस्तान नहीं लाई थी साथ, तो वापस किया क्योंकि वो बहुत ही वो नहीं होती फ्रेजाइल पॉट्स डिनर से। तो मैंने कहा तो वो मैंने कहा जी मुझे दे दे, यहाँ मेरे घर है तो मुझे जरूरत है उसकी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे खत लिखा कि हम आएंगे तुम्हारे घर, सब सामान लाएंगे, ये बच्चे से भी मिलेंगे। तो मैंने बच्चे को मिलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त पुलिस का मामला हो गया था। मैंने कहा आप बच्चे की तरफ देखेंगे भी नहीं, ना मैं आपको कहूंगी, आप अगर बच्चे को विजिट करनी है आपको कोर्ट में जाना होगा। अब मुझे लॉयर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, हर कोई छोड़ रहा था, मेरे से फीस भी वसूल करके छोड़ रहा था, वही जो पाकिस्तान अमेरिका में वो लॉयर पैसे भी रिटेनर लेके जो कुछ बचा खचा था वो भी सब खाली करा दिया। ये अमेरिकी लॉयर्स आपके साथ? अमेरिकी लॉयर्स मेरे साथ। तो मैंने उनको कहा कि आप जाएं कोर्ट में, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जब ये जाएंगे तो एज अ डिफेंडेंट मैं लॉयर के बगैर भी अपनी सबमिट कर सकती हूँ स्टेटमेंट, तो मुझे शायद वहां जस्टिस मिल जाए क्योंकि डिफेंस तो नहीं ना रोक सकते। फिर क्या हुआ? तो नहीं एक दफा ना कोर्ट में गए ना बच्चे की विजिटेशन के लिए किसी को कहा, और पाकिस्तान में पता चला कि बच्चे की विजिटेशन के लिए दावा दायर किए हुए थे जिसकी वजह से वहां पे इसको सेक्सुअल असॉल्ट कराया। ने इनका ये ख्याल था कि यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि ये जो मसदक मलिक और ये जो साथ उसका था वो बंदा जो यहाँ पे टेनेंट था जो आया मुझे, उनको मैंने कहा था जी मैं सिर्फ समर के लिए यहाँ, मतलब कोशिश ये थी कि पाकिस्तान से आप बाहर चली जाए, घर छोड़ जाए और यहाँ पे आपस में आपके घर को एक लूट के माल के तौर पे बांट के। कुछ ऐसी ही बात थी कि मुझे इस घर की आमदनी ना। बहरहाल जो मोहसिन अजीज साहब हैं वो कितना अर्सा आपके साथ लॉयल रहे और आपको किराया देते रहे? मोहसिन खालिद यहाँ पे रहा 2003 पूरा, जुलाई 2003 में उसने किराए पे लिया था। उसके बाद 4, 5, 6 को उसने मुझे अपना चेक भेजा जो बैंक ऑफ अमेरिका के जरिए मैंने कैश कराया उसका सारा वहाँ। तो वो आपके साथ फेयर डील करते रहे? वो उसने उस वक्त उसने मुझे मेरे ख्याल $12,000 भेजे जो आखिरी उसने भेजे थे, जिसमें मैंने फिर जाने की कोशिश की, लॉयर्स को लिया, गलती की, फिर लॉयर को लिया, वो लॉयर 3,000 रिटेनर लेके मुझे वापस कर रहा है पता नहीं 1,500 के 1,000 बाकी जेब में, एक और लॉयर पैसे लेके बाकी जेब में कुछ।
फिर ये नहीं करते थे। फिर क्या हुआ? फिर मैरिल गॉडफ्री ने जो केस लिया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको मैंने कहा कि तुम लिखो कि बच्चे के साथ ये किया है, तो अपेरेंटली लॉ ये कहता था कि अगर आपको हकूमत के साथ कोई शिकायत है, ग्रीवेंस है, कोई टॉर्ट या कोई उन्होंने आपके हकूक मारे हैं, सल्ब किए हैं, तो आप पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी सीक करते हैं उस अदारे के सरबराह को लिख के, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी आपको नहीं मिलती या अदारे का सरबराह आपकी शिकायत को एक्नॉलेज नहीं करता, तो फिर आप कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में आपको रिलीफ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी नहीं सीक करती फिर भी कोर्ट दे सकता है, मगर आपने कोर्ट को ये कन्विंस करना है कि सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी वुड बी फ्यूटाइल। तो आपने किया? तो मैंने उसका मैरिल गॉडफ्रे को उनको लिखो कि इन्होंने मेरे बच्चे पे सेक्सुअल असॉल्ट कराया और पुलिस को रोक दिया काम करने से, तो सीकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडी सीम्स लाइक इट वुड बी क्वाइट फ्यूटाइल। तो वो उसने ये लिखने से इनकार कर दिया, और उसके बाद जो ऑर्डर वहां से आया, तो उस ऑर्डर को जब लिखा तो समझ आई कि लॉ तो ये है, और मैरिल गॉडफ्रे ने भी मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बाद में पता चला कि मैरिल गॉडफ्रे जिस लॉ फर्म से है, एकिन गंप स्ट्रॉस एंड हाउसर, उसका जो प्रेसिडेंट है वो जॉर्ज बुश की फॉरेन इंटेलिजेंस कमेटी का सरबराह है। ओके, तो उनको लेना ही चाहिए। देन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ फिर? बस फिर बच्चे को लेके कमरे में बंद हो गई। कितना अरसा अमेरिका में? 8 साल एक अपार्टमेंट में अपने बच्चे। और आपके घर यहाँ किराए पे लगा रहा, आपको किराया मिलता रहा? नहीं, मोहसिन खालिद को जब मसदक की भी नहीं चली साजिश, मैंने खुद से उसको नहीं कहा यहाँ से निकलो, तो न्याजियों ने आके उसको मारपीट किया, अकॉर्डिंग टू हिम उसके साथ ज्यादती करके उसको निकाला और खुद का। कौन से साल में? ये पीटीआई का एमपीए जो है उसका बेटा। नहीं, कौन से साल में? ये 2008 के शुरू मेरा ख्याल में। ये 2008 के शुरू में आपने या नियाजियों ने, कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा किया मुसलमान? ये अब्दुल करीम खान नियाजी इसका नाम है, एल्डेस्ट सन ऑफ अब्दुल रहमान खान नियाजी हुज पीटीआई एमपीए पंजाब असेंबली फ्रॉम मियांवाली, इज कजन ऑफ इमरान खान, एंड उसकी एक बहन है वो नून लीग में भी है, जकिया शाह नवाज उसका नाम। नहीं, लेकिन ये किस बेस पे निकाल दिया उनको घर से, कब्जा कर लिया? कब्जा क्यों, मतलब क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई डिस्प्यूट, कोई कोर्ट? कुछ। तो फिर आपने क्या किया उसको? मैंने कहा तुम पुलिस के पास जाओ। कहता जी मैं गया था, तो पुलिस कहने लगी कि जिनिया सत्ती जो मालकन है वो आए हमारे पास। तो मुझे फिर समझ आ गई कि पाकिस्तान से, इधर अमेरिका से पाकिस्तान, उनको पता था आप नहीं आ सकती उधर है, तो उन्होंने फिर नहीं, उनका ख्याल था घर के लिए लालच में आ जाएगी, मेरी उस वक्त सिर्फ एक प्रायोरिटी थी अपने बच्चे की हिफाजत, तो घर की लालच में मैं तो आने से इनकारी। 2008 में आपका बच्चा भी 10 साल का हो गया, 11 साल का? 2008 में तो मेरा बच्चा था 9 साल का। तो फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किताब भी लिख ली थी तब, तो उस किताब पे उसको बराक ओबामा ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप का इनाम। किसने? प्रेसिडेंट बराक ओबामा। ये आपके बेटे ने? मेरे बेटे ने। कितनी उम्र में? 11 साल की उम्र में इसने एक किताब लिखी बच्चों की, उसको इलस्ट्रेट भी खुद किया और कहानी थी, तो वो कहानी फिर इसने मेल करके बराक ओबामा को भेजी। अच्छा। और उसकी बेटियां साशा और मलिया के लिए भी इसने कहा ये मेरी गिफ्ट है आपको। तो बराक ओबामा ने इसको सर्टिफिकेट भेजा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप। वो इस किस्म की प्रेसिडेंसी थी जो बच्चों के लिए बड़ा टाइम गुजार देती। चले, लेट्स मूव ऑन। आप जब घर पे आपके कब्जा हो गया तो आपने फिर क्या किया? कब्जे के लिए वो कोशिश करते रहे कि मैं यहाँ आ जाऊँ। मैंने पुलिस को, फेयरफैक्स काउंटी को कहा कि देखो जी, इन्होंने मेरी इतला के मुताबिक, जो मेरे एक मिजरी ने मुझे इतला दी है, वो बेचारा वो डॉक्यूमेंट निकालने के लिए कोर्ट में आया था, उसको नहीं दे रहे, तो आप अपना इस्तेमाल करके असल रसूख और पाकिस्तान की कोर्ट से वो निकालें जिसने मेरे ससुर ने मेरे बच्चे की कस्टडी के लिए पाकिस्तान में फाइल किया है केस। ठीक है। पुलिस इनकारी, कोर्ट इनकारी, लॉयर्स इनकारी, अमेरिका में सब इनकारी। अच्छा, मसला ये है कि जब ये 12 साल का हुआ, फिर आप आ गई पाकिस्तान। एक इंटरेस्टिंग बात भी हुई, घर से बाहर तो नहीं ना, आपको निकलना है, बच्चा है छोटा, उसने पार्क्स में जाना है, खेलना कूदना है बच्चों के साथ। तो अब डीसी में तो आ गई थी, लेकिन डीसी में भी जब ये हरकत होने लगी तो मुझे लगे कि सीसीटीवी से भी ये नहीं डरते, तो मैंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को खत लिखा हुआ था कि अगर मेरे बच्चे का केस पुलिस ने ना इन्वेस्टिगेट किया और मुझे लीगल प्रोटेक्शन मेरे चाइल्ड को ना दिया आपने, तो मैं व्हाइट हाउस के बाहर आके अपने आप को आग लगा दूंगी। अब मेरा ख्याल था कि इसके बाद वो पूछेंगे कौन क्या ये, जो भी है मैं कर सकती हूँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ। फिर मुझे ये भी पता था कि आप ऐसा खत नहीं लिख सकते किसी प्रेसिडेंट को। तो उसके बाद मैं वाशिंगटन डीसी शिफ्ट हुई कि जब मैं जाऊँगी इस खत को लिखने के बाद, तो जब जब घर से बाहर निकलूँगी
तो मुझे वॉच किया जाएगा सीक्रेट सर्विस वॉच, तो यू विल फील प्रोटेक्टेड, तो मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो मैं फिर इसको लेके गई पार्क्स में बड़ा, और वाकई वो जो मर्द फॉलो करते थे वो हैरेसमेंट रुक गई, और मेरे ऊपर एक 5 दिन हेलीकॉप्टर भी फ्लाई करता। अच्छा, आपको प्रोटेक्शन देने के? नहीं, मुझे नहीं पता, आपको ऑब्जर्व करने के लिए कि आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे ऑब्जर्व कर, मुझे सिर्फ ये पता है कि वो हमारे सर के ऊपर था। डीसी में ऐसा पहले और उसके बाद कभी नहीं हुआ। अब ये बताएं कि फिर व्हाट हैपेंड, भी अ कोइंसिडेंस कि वो अपने किसी काम से निकले थे, तो हमारे ही सर के ऊपर वो काम हो चले। आपके बच्चों के दावा आपके ससुर ने पाकिस्तान में दायर कर रखा था, आप अमेरिका में थी, आपके घर पे कब्जा हो गया था, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने कब्जा किया? आपको कैसे पता चला ये कौन लोग हैं? ये अब्दुल करीम खान न्याजी जो है, ये बेटा है एक मेरी एक बड़ी मरहूमा बहन का। वो बहन 2008 में फौत हुई। अपेरेंटली ये उस वक्त फौत हुई जो ही न्याजी ने कब्ज़ा किया था घर पे, और मेरी इतला के मुताबिक मेरी बहन ने उसे कहा था निकलो यहाँ से, दुनिया के दुख काफ़ी हैं, ये घर में तुम्हें नहीं लेने। मतलब कि जो हिस्सा आपको आपने अपने लिए अलग किया था वो इस पे भी काबिज हो गया, और साथ पड़ोस में भी? नहीं, पड़ोस में तो गई नहीं, सिर्फ मेरे घर पे काबिज हुई। अच्छा। पड़ोस में वही रह रहे अफगानी, वो उसने खरीद लिया होगा? खरीदा नहीं है, उसका नहीं है वो घर। तो फिर उससे कोर्ट में भी गया, सब कोर्ट से इनकार कर दिया उसको देने से। तो अभी भी वो कब्जे में? अभी भी कब्जे में, आपके साथ ही रहे जी। और उसको जावेद अख्तर, जिसको डिग्री उस घर की मिली है, आज तक नहीं निकाले। जावेद अख्तर कौन है? वो प्रॉपर्टी डीलर है जिससे अब्दुल करीम खान न्याजी ने साज बाज करके मेरा घर एक कोर्ट केस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में खुद डिफेंडेंट बन के हार के उसको दे दिया, और घर मेरा जावेद अख्तर को। हाँ, और करीम न्याजी बन रहे डिफेंडेंट। अच्छा, तो आपके इस पोर्शन पे फिर वो न्याय साहब इधर आ गए कि ये विरासत में मेरी माँ का हिस्सा है? नहीं, उसने ये भी नहीं कहा मेरी माँ का, वो कहते हैं मेरी ये जो खाला है उसका है, उसने मुझे गिफ्ट किया। अच्छा, और वो डॉक्यूमेंट बनाए कोई उन्होंने? कुछ भी, तो जुबानी कह दिया है। हाँ, कहते जुबानी गिफ्ट किया तो मैं आ गया। अच्छा, तो फिर आपने कैसे उसको क्या किया वापस? फिर जब ये 12 साल का हुआ तो अब मुझे पता था अमेरिका में कोई जस्टिस नहीं मिल रहा, बल्कि उल्टा कुछ गलत भी हो सकता है, ये ज़्यादा बड़ा होगा। अमेरिका में भी नहीं मिल रहा? अच्छा, अमेरिका में भी नहीं, अमेरिका में ही नहीं मिल रहा। तो पाकिस्तान में तो किसी जस्टिस के लिए मैंने अभी कहाँ अप्लाई किया था। पाकिस्तान में जब अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरा घर मुझे दे दिया। चलिए, अब मुझे बताएं यहाँ पे आए के एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिस जज ने मेरा घर मुझे दिया, जस्टिस एजाज़ुल एहसन एंड जस्टिस याह्या आफरीदी, उन जजेस के ऊपर पीटीआई की डेमोंस्ट्रेशन में तस्वीर रख के जूते मारे गए जस्टिस एजाज़ुल एहसन के ऊपर, अनबिलीवेबल कंडेमनेशन। ये उनके घर देने के बाद 2019 में उन्होंने मुझे घर दिया, 20 में फरवरी, उसकी वजह कुछ और फैसले भी हो सकते नहीं, हैं। ये नहीं पता कि फैसले कुछ और थे या नहीं थे। मुझे ये बताएं, आपने इस घर से कब्जा कैसे छोड़ा? मैंने पहली दफा तस्वीर देखी उसके ऊपर, याह्या आफरीदी को जूते तस्वीर पे मारे। चलें, उसको तो छोड़े ना, आप ये बताएं नीचे सिविल कोर्ट में आप पहले आई, नीचे क्या तजर्बा रहा वकीलों का, अदालतों का, इस घर से कब्जा छुड़ाने के हवाले से? जी, नीचे सिविल कोर्ट में किया तो इन्होंने ही अपना लॉयर, मुझे भी उस लॉयर से कहा कि ज़िनिया का केस लड़ो, हार जाना, तो वह हार गया नीचे के कोर्ट, जानबूझ के। कौन लॉयर थे? उसका नाम जो है, अब आप मेरा ख्याल में, क्योंकि ये वीडियो जा रही है तो मेरा ख्याल में उसका नाम हम नहीं लेते। लेकिन वो वकील भी आपके मुखालफीन ने आपको दिया? मुखालफीन के लिए काम कर रहा था, केस हार गया, और अमरीन इकबाल चौधरी ने हुक्मनामा लिखा कि ये घर वाकई गिफ्टेड है, कोई गिफ्टेड नहीं, कोई गिफ्टेड नहीं, जज साहब जो थी। हाँ, और दूसरी पार्टी फेल हो गई अप्रूव करने में, तो फिर आप अपील में आ गई। तो मैं फिर हाई कोर्ट में अपील में गई, तो मुझे समझ आ गई, अपील में भी उन्होंने यही लॉयर जो है, अब इस लॉयर को मेरे सिबलिंग्स दे रहे हैं फीस, और वो कह रहे हैं कि आपका लॉयर, तो मैंने कहा जी ये पीछे हार गया है, तो खैर मुझे समझ आ गई थी टू सम एक्सटेंट। तो मैंने उसका वकालतनामा कैंसिल करके, पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक करके अपना केस खुद लड़ा, तो मैं जीत गई, और मुझे पोजेशन मिल गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पोजेशन मिल गई जी। फिर क्या हुआ? फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 7 फरवरी 2000, हाई कोर्ट के जब आपको पोजेशन मिल गई तो वो लोग अपील में आए होंगे सुप्रीम कोर्ट में आपके मुखालफिन? वो अभी अपील में है, अभी अपील उनकी सब जुडिस है, वो उनको कोई दिलचस्पी नहीं लग रही उसकी हेयरिंग फिक्स कराने। नहीं, तो वो अभी तक अपील में ही है अभी तक, या रिव्यू में?
नहीं अपील में है, करीम नियाज़ी अच्छा, अपील उनका में केस है, नहीं अभी तक लगा नहीं, वो लगा ही नहीं रहे, वो खुद ही एडजर्नमेंट। तो आप कैसे सुप्रीम कोर्ट में आ गई? मेरी क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन जो फाइल की थी, जिस पे मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हाई कोर्ट के फैसले के बाद, मैं रह रही थी ना अपने घर में, ये लोग फिर आगे मुझे निकाल दिया इन्होंने। फिर क्या किया आपने? कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के, तो मैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में दी मैंने, जिसको जीत गई सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मुझे पोजेशन दिलवा दी मेरे। ठीक है, अब मैं इस घर में रह रही हूँ। तो इन लोगों ने फिर क्रिमिनल रिव्यू फाइल किया 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे रिव्यू फाइल, वो जो कंटेम्प्ट के अंदर आपके हक में फैसला हुआ था उसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया। वो उमर अता बंदियाल साहब तब चीफ जस्टिस बन गए थे, और उमर अता बंदियाल साहब ने, मैं यकीन से कह सकती हूँ, मामलात को यूं मैनिपुलेट किया कि पीटीआई एमपीए का फायदा हो जाए। कैसे? आपके हक में फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, तो उमर अता बंदियाल ने जी, अब टाइम बार थी उसका रिव्यू, तो वो तो नहीं आपके मुखालफीन का जी, तो वो कौन था रिव्यू जिसने दायर किया, किसके नाम से हुई? वो जावेद अख्तर जो प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा। उसने रिव्यू दायर किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, पहले कंटेंप्ट में घुसा, अब रिव्यू वो सुप्रीम कोर्ट में जाके मुकर ही गया कि मुझे नहीं पता आपने फैसले में मुझे मेरा घर दूसरा दिया था, हालांकि फैसले में प्लेन लिखा हुआ, फैसला पढ़े जरा। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक और हुक्मनामे में लिखा कि जीनिया सत्ती का घर हमने क्लियरली कहा था अपने फैसले में 7 फरवरी 2020 के, कि उसको दिया जाए जो उसके बाप ने उसको ट्रांसफर किया, 267A जीनिया सत्ती का है। ठीक है, एंड वी आर डिसअपॉइंटेड टू नो दैट शी हैज टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे पोजेशन मिल गई। अब आप इस घर, अब वो जो बंदा है उसने ये जो फैसला की डिलिनिएशन सुप्रीम कोर्ट ने लिखी थी ना, उसने वो रिव्यू में लिया। अच्छा, इस तरह टाइम बार्ड से इसने रिव्यू, और वो रिव्यू कितने अरसे से चल रहा है? अब वो रिव्यू में एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट, कितने साल? साल हो गया, एक साल। कितनी हियरिंग्स हो चुकी हैं? महीने में मेरा ख्याल में 11-12 तो शायद हो चुकी हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। और ये कौन से जजेस सुन रहे हैं इसको? ज्यादातर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, और बाकी चेंज होते रहते हैं, शायद एक दफा मज़ाहिर अली नकवी थे, एक दफा अब लास्ट टाइम कौन थे, अभी आज जो हियरिंग हुई है इसमें जस्टिस मुनीर, जस्टिस एजाजुल एहसन, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द थर्ड जज वाज मज़ाहिर अली नकवी, बट आई हैव टू बी, अच्छा, आई एम नॉट, माशाल्लाह। ठीक है, तो फैसला नहीं हो रहा, वो इनको एडजर्नमेंट दे रहे हैं। तो मीन टाइम मेरे लिए इन्होंने, अब मेरे बेटे ने पिछली दफ़ा एक वी लॉग किया कश्मीरियों के बारे में, तो उसने एक जुमला इस्तेमाल किया जो बिल्कुल मेरे ऊपर भी बैठता है, मैं इसको कह रही थी, इसने उसने कहा कि जी ऐसी सिचुएशन इंडिया क्रिएट कर रहा है हुर्रियत लीडरों के लिए जिसमें इन विच रेजेस द चांस ऑफ देयर मॉर्टेलिटी, कश्मीरियों की मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाए, नहीं लीडर्स जो हैं वो उनके लिए कंडीशन ऐसी पैदा करो कि वो मर जाएँ, लेकिन मर्डर को आप इंडिया को अक्यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्लो डेथ उनके लिए पैदा की जा रही है कंडीशन में जिसमें वो बीमार बहुत हो रहे हैं, नज़र आ रहा है। तो ये जब ये वीलॉग कर रहा था तो मुझे इसका ये जुमला लगा कि मेरे लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक डॉक्टर के साथ जो मैंने रिसेंटली अपनी मशवरा लिया था इनफॉर्मल नॉट इन अ हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के लिए मेरे पास रकम नहीं है, और आप देख रहे हैं घर में पानी नहीं है, वो लेके चले गए हैं, तो हम पानी के बगैर, आपके घर का विजिट किए हैं, ये तो लग रहा है कि जैसे अभी आप शिफ्ट ही नहीं हुई, लेकिन आप काफी अरसे से इसी तरह रहे हैं, एक साल से मैं यूं रह रही हूं, हमने दरवाजे तोड़े, उनको फर्नीचर कोई नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो क्या सोर्स ऑफ इनकम? चीज ले गया एक नहीं, तो ये क्या सोर्स ऑफ इनकम, क्या आप कैसे जी? हमारा जो बाहर टेरेस है ना उस पे जंगला स्टील का लगा हुआ था लोहे का, तो पहले हमने उसको बेचा, उससे हमें कोई 60-70 हज़ार मिल गया, उस पर हमने कोई 200-300 हर रोज़ खर्च करके मैं और मेरे बेटे ने अपने खाने का सिर्फ सामान किया, बिजली वालों को तो हमने कह दिया था कि हम आपको बेचेंगे जी अच्छा। और उसके बाद हमने पोर्च उन्हें लोहे का बनाया था, ये नियाजियों ने जावेद अख्तर ने जब इन्हें पोजेशन ली मेरे से इलीगल, वो उसका लोहा बेचा, वो भी 70-80 हज़ार का बिक गया हमारा, उससे फिर हमने चंद माह गुजारे, पीछे एक शेड था वो भी लोहे का, तो आप कैसे गुजारा? आपकी कोई और गांव, आपका इलाका जो है, आपकी फैमिली, आपको कोई सपोर्ट कुछ? शुरू में मेरे भाई ने मुझे 2 लाख रुपया भेजा, जब मैंने कहा कि मेरा घर तो रड़ा मैदान है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, हम रहेंगे कैसे, तो उसने 2 लाख भेजा कि आप अपने लिए फर्नीचर ले लें, लेकिन वो 2 लाख हमारे लिए, वो पानी लेके चले गए, ट्यूबवेल, वो नया पंप गया वो भी चोरी हो गया, कुछ उस पर चला गया, कुछ कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है ये पड़ता है,
वो मैंने उस पर खर्च करना मुनासिब समझा ताकि इसकी तालीम में खर्च ना आए, वो आप देख रहे नीचे क्योंकि okay, थोड़ा सा अपने बच्चे के बारे में बताएंगे क्या कर रहा है ये क्या? मेरा बेटा जो है इसने 14 साल की उम्र में ओ लेवल्स के एग्जाम्स के लिए बैठा, जो पहला एग्जाम इसने दिया इसमें ही एस्टेट टू कैन ए नेट, उस एग्जाम के दौरान ब्रिटिश काउंसिल में इसको बहुत ज्यादा हरेस किया गया, तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल क्या क्या परफॉर्मेंस हुई, ए ए ग्रेड लिया इसने, स्ट्रेट सारे, और जिस सब्जेक्ट में लिया उसने पूरी दुनिया में चंद दर्जन ही कैंडिडेट थे क्योंकि वो मुश्किल बहुत है, कौन सा लेना चाहते, इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इतना वास्ट है कि लोग डर के मारे उसको लेते नहीं, ठीक है, मगर उसमें ए लिया उसने तो, लेकिन उसके बाद के जो एग्जाम्स थे उससे पहले जब उसने बताया मुझे कि मेरे साथ ये होता रहा थ्रू आउट द एग्जाम, लेकिन आपने मुझे कहा था कि शायद कुछ होगा तो कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन योर एग्जाम, तो मैं ये करके आ गया हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गई कि ये अभी 14 साल का है, ये 3 साल पहले अपने ओ लेवल के लिए बैठ रहे हैं जो बाकी, ये कौन से साल की बात हो रही है, ये 2011 की 11 में, उससे 14 साल का था, ठीक 14 या उससे कम या जो, अभी तो 26 साल के माशाल्लाह जी, अभी तो 26। तो मैंने ब्रिटिश काउंसिल को खत लिख के सब कुछ बता दिया, और मैंने कहा जब मैं एग्जाम के लिए इसको आपको भेजा था तो उनकी ईमेल्स है मेरे पास, उन्होंने कहा 14 सीसीटीवी कैमरा उस एग्जामिनेशन को मॉनिटर करेंगे, तो मैंने इसलिए भेजा था, तो अब जो कि इसके साथ हुआ है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ड्यूरिंग द एग्जाम, इसको मसलसल टॉर्चर और अब्यूज किया जाता रहा ताकि एग्जाम के कॉन्सेप्ट, क्यों लोग इसका पीछा कर रहे हैं, हर जगह पे कोई ना कोई ग्रुप होता है, ये क्या बात है, मतलब कौन लोग हैं? आप जुडिशियल एनालिस्ट हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि इसका आंसर क्या है, कौन लोग हैं आपके ख्याल में जी? अगर वो मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे के ऐसा करें तो मैं आपको अभी बता दूँ, ये बड़ी है हैरानी की बात है, और ये कि वो कौन लोग हैं इसको जानने के लिए, इसका जवाब जानने के लिए ब्रिटिश काउंसिल को मैंने कहा आप सीसीटीवी कैमरास खोलें तो और आप देखें वो कौन लोग थे, मेरा बेटा मुझे आप बता रहा है कि वो कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी कॉरोबोरेशन ऑफ स्टेटमेंट योर सीसीटीवी, क्या हुआ, क्या झगड़ा किया किसी ने? किसी ने झगड़ा नहीं किया, एग्जाम के दौरान इसकी तरफ देख के थूक रहे थे, अपने को हाथ लगा के इसको देख रहे थे, जबाने बार स्मैक कर रहे थे, और ऐसी गुफ्तगू जो शायद आप इस वीलॉग के ऊपर पाकिस्तान में नशर ना कर सकें, तो डिटेल्स ना मांगे, एग्जाम दे के जब ये आ गया इसने बताया ये थे, तो मैंने कहा इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड, कि सारा वक्त मेरे 13 साल के बच्चे को अगर इस तरह ओ लेवल्स का एग्जाम है भी वो छोटा और वो एग्जाम दे रहा है, तो ये इसके जहन में एग्जामिनेशन का खौफ बिठाने की इंटेलिजेंट कोशिश की जा रही है, तो मैंने फिर जंग करनी शुरू कर दी इसके लिए, ब्रिटिश काउंसिल से बहुत कहा सीसीटीवी, वो मुकर ही गए कि 14 सीसीटीवी क्या, उन्होंने मुझे ईमेल दिया था, कहते हैं हाँ वो थे 14 लेकिन अंदर नहीं पा रहे हम आपको, फिर खोले जहाँ भी थे खोले, मेरा बेटा आपको बता देगा ये कौन लोग थे उनसे okay. वो अभी आजकल क्या कर रहे हैं आपके बेटे? फिर मेरे बेटे ने IAL का एग्जाम दिया, उसके बाद उसने एक किताब लिखी पाकिस्तान्स मल्टी हैजर्ड रिस्क एनालिसिस, इस किताब के चैप्टर को जब हेल्थ एपिडेमिक्स के ऊपर जो था, जब हमने उसको NIH का जो डायरेक्टर जनरल है उसको जब हमने पीयर रिव्यू के लिए दिया तो उसने पढ़ने के बाद जो खत लिखा वो आपको पढ़ना चाहिए, उसने कहा द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन दिस चैप्टर इज यूजफुल इवन फॉर प्रोफेशनल्स, हमने आम आदमियों के लिए लिखी थी, आम को बताना कि पाकिस्तान के रिस्क एनालिसिस मल्टी हैजर्ड क्या है, इतना अच्छा इसका पीयर रिव्यू हुआ, नेशनल बुक फाउंडेशन के पास गए, नेशनल बुक फाउंडेशन ने जब वो किताब पढ़ी तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि ये नायाब किताब है और बड़ी टाइमली है, पाकिस्तान का मल्टी हैजर्ड रिस्क एनालिसिस पे बुक हमें चाहिए थी, लेकिन उसके बाद नून लीग की हुकूमत थी तब मसद्दक मलिक बीच में था, उसने कुछ तो किया होगा मैं कह नहीं सकती, जब नून लीग की हुकूमत थी उस दौरान मसद्दक मलिक साहब ने कोई आपसे दोबारा रब्ता किया कोई नहीं जी, मैंने इलेक्शन कमीशन में जब पता चला ये सेनेटर बन रहे हैं उनको शिकायत लिखी कि इसका तो ये बैकग्राउंड है, उसने मेरे साथ ये किया था, मसद्दक ने हमें बुलाया था वर्जीनिया में, वॉशिंगटन DC में फ़ोन किया था, वो बहुत जा रहे थे कि घर से मैं इसको निकालूं मौसम को, जब नहीं निकाला तो फिर न्याजी आए, तो उसमें मैं गई अपने बच्चे को लेकर, तो ये बाइक कर रहा था तो वहाँ बैठे, तो उसमें इसने मसद्दक से मुलाकात की, फौरन इसकी इत्तला पुलिस को कर दी, उन्होंने एज यूजुअल जब कुछ नहीं तो मैंने फिर केस किया कोर्ट में मसद्दक पे, तो मसद्दक वहाँ से फिर दुबई चले गए और वहाँ से दुबई से पता नहीं कोर्ट केस में, तो अमेरिकन मीडिया कैसे आपके हालात को रिपोर्ट करता रहा है
मैंने रब्ता किया था वॉशिंगटन पोस्ट का डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है क्या नाम है इसका जॉश वाइट वहाँ गई मैं बैठी फिर उनसे मेरे से कुछ रिकॉर्डिंग ली उन्होंने पूरी बात उनको बताई और अभी आगे वो करना चाह रहे थे इंटरव्यू जिस तरह आप हैं दिलचस्पी से तो उनका बॉस आ गया उनका बॉस फेमस आदमी है क्या नाम है इसका ये बहुत सी बुक्स लिखते क्या नाम है वॉशिंगटन पोस्ट जिसने वो किताबें काफ़ी लिखी नहीं मैं जो भी अभी याद आएगा वेरी वेल नो पर्स बॉस को भी फ़ोन किया था बाद में उसने रिप्लाई भी किया था उसने कहा कि कुछ हो गया है पता नहीं इराक में कि कहाँ तो जॉश डिफेंस के ऊपर लिखता उसने कहा फ़ौरन तुम्हें कहानी लिखनी है इसके ऊपर जल्दी तो वो चला गया क्योंकि Then never contacted you again. मैंने उसे कहा था कि कुछ और चाहिए होगा फोन कर लेना लेकिन वो कभी नहीं आया कौन मीडिया में कहीं रिपोर्ट इसके बॉस ने फोन किया उसका बॉस भाई व्हाट इज आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम क्यों फोन किया भाई वाशिंगटन किसने वाइट ये निक्सन के ऊपर जो काम कर रहे थे उसमें वो बॉब वुडवर्ड ओके उन्होंने फोन किया बॉब वुडवर्ड ने फोन किया क्या कहा बात की मैंने उसको मैंने कहा कि तुम बुलाओ मुझे पूरे इंटरव्यू के लिए फ़ोन पे तुम्हें सारी डिटेल्स जो खैर उसने मांगी भी नहीं फ़ोन पे सारी डिटेल्स उसने कहा ओके ये उसको बता दिया कि जॉश वाइट से बात की हुई थी और तो क्या कहते हैं फिर कॉल नहीं है ओके ज़ीनिया अभी आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी अगली तारीख कौन सी है देखिए ये मसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ऑनरेबल बेंच है वो मसलसल एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ले रहे हैं इस मामले में और मैं डायग्नोज तो नहीं हुई अभी लेकिन जो मुझे है वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कैंसर हो सकता है अब अगर ऐसा मामला है तो एडजर्नमेंट तो मुझे मार देंगी सर है क्योंकि मैं अपने इलाज के लिए पैसे नहीं रखती और मुझे अपने इलाज के लिए अगर शौकत खानम गई तो मुझे लगता है वहाँ मेरी मौत होगी क्योंकि वहाँ हसन अजीज़ और इमरान खान और पूरा यू नो टीम तो मुझे ये बात ही नहीं अब सुनते मेरी इन्होंने मेरी बात सुन के मेरा घर मुझे डिक्री किया दोबारा मेरी बात सुन के क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन में जीती हाई कोर्ट में मैं अपना केस खुद करके जीती सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद करके जीती अब अचानक ये कहते हैं कि नहीं लॉयर लाओगी तो वो करेगा और यके बाद दीगरी जो लॉयर मुझे इन्होंने अपॉइंट किए उनमें पहले एक मोहतरमा थी सरकार अब्बास उनका नाम उसके बाद एक और थे कोई रहमानी उनका आखिरी नाम है वो उसके बाद एक और मैं नाम भूल रही हूँ वो कौन था उसके बाद ये लतीफ़ खोसा साहब जो खुद आ गए थे अदालत से उठ के कि मैं ज़ीनिया का उनका एसोसिएट लतीफ़ खोसा ने खुद आ गए थे क्या मतलब कौन से केस में जब मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा मुंह मेरा सारा तोड़ दिया किसने क्या ये कौन सा बात जी इनका जो लॉयर है जावेद अख्तर का उसने सुप्रीम कोर्ट में मुझे जोर से असॉल्ट किया जिस्मानी तौर पर लेकिन मुँह नहीं तोड़ा लेकिन साथ में कहा आई विल ब्रेक योर फेस अच्छा तो उसकी नहीं आप उनसे कोई झगड़ रही थी कुछ भी नहीं था क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन जो इन्होंने फाइल किया ना 56 और 22 उसका मैं जवाब फाइल करने के लिए केस रजिस्ट्रेशन डेस्क में बैठी हुई थी ये दिसंबर 2022 की बात है तो केस रजिस्ट्रेशन डेस्क कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस्ड और वो डिसमिस नहीं हुई थी उस पर हेयरिंग थी तो मैंने कहा नहीं ये मेरा जवाब है मेरा राइट है तो वो जवाब नहीं ले रहा था तो ये सात लॉयर खड़ा था जो कि इनका AOR है महमूद शेख उसने कहा यस इट इज ट्रू इट हैज बीन डिसमिस तो मुझे तो साफ झूठ बोल रहा था क्योंकि AOR है और अभी हमारी हेयरिंग हुई थी तो मैंने कहा नहीं आप मेरा अगर नहीं लेना चाहते जवाब तो फिर आप मुझे लिख के इनकार करें आप रजिस्ट्रार हैं आप जबानी इनकार नहीं कर सकते तो अभी ये बात हो रही थी तो उसने जोर से असॉल्ट किया कि उठ इस कुर्सी से और मत ये फाइल कर और साथ में मुझे कहा आई विल ब्रेक योर फेस तो CCTV कैमरा में ये कर हो गया तो उन्होंने तो ब्रेक नहीं किया फेस लेकिन अपने मोहल्ले की मार्केट में जब शॉप लेके अपनी ग्रोसरी के लिए गई थी तो उन लोगों ने शीशा दीवार अपना शीशा साफ करके उसको बंद कर दिया लॉक कर दिया और मोहल्लेदार के मुताबिक इन्होंने शीशा रिगरसली पहले साफ किया है आपके आने से एक मिनट पहले झाड़ियों में छुप गए
और इनके पास सीसीटीवी कैमरा है, आप खुलवाएं, आपको इनकी हरकत नजर आ जाएंगी, क्योंकि अब जो आपके सर से इतना खून गिर रहा है तो मैं खौफजदा हो गया हूँ कि इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, तो क्यों किया? तो इसमें महमूद शेख साहब का क्या? तो मैंने फिर जाके अदालत में कहा कि जी अगर इन्होंने मुझे थ्रेट दिया कि आई विल ब्रेक योर फेस और उसके बाद माई फेस इज ब्रोकन विद इन वन वीक, तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्क कर रहे हैं दुकानदारों से, तो ये कितनी गलत बात। आपको कभी कभी लगता नहीं है कि आप एज अ मदर you are overprotecting your son and naturally he deserves it, aap jis halaat se guzri hain to aap psychologically bahut zyada affect hui hain aur aap samajhti hain ki sari duniya jo hai wo shayad aapke khilaf hai aur aapke khilaf saazish kar rahi hai aur aapne apne bacche ko bhi us tarah independently us tarike se allow nahi kiya to move around and take his own decisions, he is 26 years old। जी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, एक्सलेंट क्वेश्चन। आपने जो कहा कि मैं समझती हूँ कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ मूव कर रही है, मेरे साथ यही होता, शायद साइकोलॉजिकली मैं उस तरफ चली जाती अगर मुझे पाकिस्तान की मिलिट्री ने मसलसल सपोर्ट ना दी होती। और ये सपोर्ट किसी एक जनरल ने नहीं दी कि आप बोले कोई एक था सी ओ एस या मेरे अपने रिश्तेदार जहीरुल इस्लाम साहब जो ISI के DG होते थे, वो कहूटा से हैं और मेरी चची के भाई हैं और वैसे भी रिश्तेदारी है शादी तो के, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया? तो नहीं, ना सिर्फ उन्होंने जिस दौरान मुझे सपोर्ट करना शुरू किया उस दौरान हामिद मीर ने कहा कि मुझे गोली इनने मारी है, तो जियो ने बड़ी अजीबोगरीब कैंपेन उनके खिलाफ शुरू कर दी, तो मैंने बहुत उस वक्त फील किया कि ओहो कहीं मेरी वजह से तो उनके साथ ये नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने अस्क्री में मुझे रिहाइश दिया कि मैं अपने बच्चे को पाल सकूँ सेफ्टी में। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और बातें, वो पहले मुशर्रफ की हुकूमत में उन्होंने मुझे बता दिया कि ये क्या है ताकि मैं महफूज कर सकूँ अपने आप को, उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ, मेरा बच्चा जिंदा है, वो ना बताते आई वुड हैव गॉन इनटू अभी dark। उसके बाद आपको अबैंडन कर दिया, जहीरुल इस्लाम साहब ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया? जहीरुल इस्लाम साहब ने तो किस तरह अबैंडन, वो उनकी हुकूमत नहीं थी, फौजी इससे ज्यादा क्या करें, मतलब क्या करें। जिस इलाके में रहने की मुझे इजाजत उन्होंने दे दी उसमें इंटेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है, वो इनकार कर देते जिस तरह सियासतदानों ने मेरे साथ किया है। देखिए ना, नियाजियों ने पैसे लेके जेब में डाल रहे हैं, मेरा घर ले लिया, मेरी आमदन मार दी, इससे पहले नून लीग ने, मैंने नवाज शरीफ को खत लिखा था कि ये मसद ये जो हुआ है और इसमें मैंने लफ्ज उस खत किया था, एक जवाब उस खत का नहीं आया जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे। एक बात उन्होंने अच्छी की और मैं ये मानूंगी कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी प्राइम मिनिस्टर थे, ये ज़किया शाह नवाज के भाई का मामला था ये जो नियाजी है, लेकिन FIR कट गई थी नियाजी के खिलाफ। अभी आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से और सुप्रीम कोर्ट से? ये सुप्रीम कोर्ट से कि वो जल्द अज जल्द मेरे केस सुनकर इसके ऊपर फैसला करें, इस चीज़ पे इंसिस्ट ना करें कि मैं लॉयर लेके आऊँ, क्योंकि ये इंसिस्ट करना अब मेरे ऊपर ज़हनी तशद्दुद है। जिस औरत को इतने लॉयर जख्मी कर चुके हैं उसकी बैक को, उसको ये कहना कि अब लॉयर लेके आओ, फिर वो कहाँ से लाएगी? दूसरा ये कि अगर मैं लॉयर ले भी आऊँ तो मैं मुफ्त लॉयर नहीं करूँगी, वो आसानी से बेच देते हैं अपने क्लाइंट को, और इनकी इन्फोर्समेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी पुअर है कि आपने देखा है अब 10 माह हो गया उस लॉयर को डिसिप्लिनरी कमेटी ये नहीं कह पा रही कि तुम स्टेटमेंट अपनी जवाबी जमा करो। किस लॉयर के खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी कमेटी में शिकायत की? महमूद शेख झगड़े जिसने मुझे असॉल्ट किया, और अभी तक वो डिसिप्लिन कमेटी उसका जवाब नहीं, एक साल होने को आया है वो उससे जवाब नहीं ले पा रहे। कौन बैठता है कमेटी में, कौन जाता है? कमेटी के चेयरमैन जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जिन्होंने पहले दिन अपने आप को रिक्यूज कर लिया था जब उनको ये पता चला कि जिस केस के सिलसिले में ये बात आगे बढ़ रही है वो उन्होंने इसका फैसला मेरे हक में एंटर किया था, तो उसके रिक्यूजन के बाद मुझे नहीं पता कि आप कौन उस कमेटी का चेयरमैन। अच्छा, आपके जो बेंच सुन रहे हैं, जैसे मुनीब अख्तर ने भी उस बेंच से अपने आप को अलग किया, आज बड़े अजीब और गरीब हालात हुए। इम्तियाज अली कजलबाश और उनकी बेगम जो हैं, वो कजलबाश मेरे बहनोई हैं, चक्षदार फार्म में जो रहते हैं, उनकी बेगम मेरी बड़ी आपा हैं, बायोलॉजिकल सिस्टर हैं। ये चीज़ मैंने अपने CMA में 3 साल लिख के सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, 9270 and 10614 ऑफ 2019, मेरे दो CMAs जब मुझे पता चला कि मेरा घर जावेद अख्तर को दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला इम्प्लीजमेंट के बाद, और ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है कि वो मेरी बहन है, उसका नाम रुबीना कजलबाश, बेगम इम्तियाज अली कजलबाश। आज मुनीब, जस्टिस मुनीब ने अपने आप को ये कह के रिक्यूज किया कि रुबीना कजलबाश तुम्हारी बहन है, देन आई वॉन्ट बी टेकिंग दिस केस, बेंच टूट गया। क्या वजह क्या हुई?
रुबीना कज़रबाश के खिलाफ केस क्यों नहीं सुन सकते? मुझे बताया नहीं। अच्छा, रुबीना कज़रबाश का रोल क्या है इस सारे केस में? कुछ भी नहीं जी, मेरा सामान जो पुलिस ने कब्जे में कर लिया था ना, जिस दिन इलीगल पोजेशन ली और जावेद अख्तर को घुसाया, उसकी भी लॉग भी है बाय द वे सीनियर सती चैनल पे, दो सीन्स है। वो सामान मैं ढूंढती फिर रही हूँ पिलेटोपोस, आप देख रहे हैं मेरा घर, आपने खुद कर लगता है अभी आप आपके हम उधर दरवाजों पे, वो सामान किधर है? वो सामान मैं ढूंढ रही थी, डीआईजी ऑफिस के पास गई, उससे कहा ढूंढो भाई किसी ने तो लिया होगा, न्याजी यहाँ रह रहा था जावेद अख्तर के साथ, दोनों इकट्ठे रह रहे थे, पोजेशन जावेद अख्तर ने ली थी, तो सामान, तो मैंने कहा शायद न्याजी के पास हो, प्लीज पता करो, कुछ मुझे नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में दहाई दी तो रुबीना कज़रबाश के घर पता चला कि दो ट्रक भर के मेरे सामान के गए थे, डेढ़ साल पहले, वो वही वक्त है जब इन्होंने मेरा घर मेरे से लिया था, और जब मुझे पोजेशन नहीं तो वो सामान आपकी बहन रुबीना कज़रबाश के जी, वो चौकीदार की जबानी, बीबी आपका सामान पड़ा है, आप वो लेने आई हैं तो बाजी अभी यहाँ नहीं है, वहाँ पे वो फौत की होगी थी लाहौर में, सरदार आसिफ की बेगम फौत हुई थी, तो वहाँ फौत की गए थे, उनकी उनसे दोस्ती है, तो वो कहने लगा मैं बेटे को बुलाता हूँ उनके, तो बेटा जब बाहर आया तो उसने मुझे जिस तरीके से पकड़ा, ये देख रहे हैं आप शायद, पता नहीं आपको नजर आया कि नहीं, ये भी यहाँ भी दाग, ये भी, वो स्टोर में ना चली जाए कहीं, क्योंकि वहाँ मैं जाती तो फौरन फोटोग्राफ कर लेती अपने सामान को, तो वो नहीं जा रहे थे शायद, तो सामान अभी उनके घर में है, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या मेरी आपा जानती है कि मेरा सामान उनके बतौल चौकीदार, तो मैं बकौल चौकीदार, तो मैं फौरन थाने में गई कोसाद, और उनको मैंने कहा कि ये नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, और इस तरह जुल्फिकार कज़रबाश ने मुझे पकड़ा है, मेरा जिस्म नीलो नील हो गया है, वो नहीं मुझे वहां जाने दे रहा था, और तकरीब धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया है कि वहां मैं ना चली जाऊं, तो आपने फौरन जाके वहां छापा मारना है, FIR काटें, और चौकीदार अभी नया नया है, आप उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट में ही डाल देंगे तो वो डर जाएगा, टेक्नोलॉजी वो सच ही बताएगा आपको, तो यहाँ से तो थाने को साहब ने आज छठा दिन है कुछ भी नहीं किया, लिख के दी फिर डीआईजी ऑफिस के पास गई, डीआईजी ऑफिस को मैंने कहा कि यहाँ पे मेडिकल लीगल भी बनता है वो भी कराएं, जब मैं उनके पास गई थी उस वक्त तो जुल्फिकार के फिंगरप्रिंट्स भी वो ले लेते मेरे जिस्म के ऊपर से, वो डीआईजी ऑफिस ने कहा तो हाँ, आपके बेसिकली आपके अपने रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं जो आपके साथ, जुल्फिकार कज़रबाश इम्तियाज कज़रबाश का बेटा है, यकीनन मेरा नेफ्यू है, लेकिन जिस तरह न्याजी मेरा नेफ्यू है, इसको इस्तेमाल किया गया है, मेरी मरहूमा बहन का बेटा है, इस तरह क्या जुल्फिकार कज़रबाश को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरह किस तरीके से पैसे दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मेरी बहन ये बात जानती है, क्या उसको ये भी पता है कि घर के पीछे स्टोर में मेरा सामान पड़ा है, डज शी नो, बिकॉज वो बहुत मेरी बहन मेरे से 20 साल बड़ी है, उनसे फोन पे बात होती थी, तो जिस टेलीफोन पे उनका नंबर मेरा सेव था वो पुलिस ने तोड़ दिया, तो जो नया नंबर लेने के लिए मैं गई थी उस रात को कि उन्हें तो पता चला मार्केट पे गई से मिलने नहीं गई, तो अब मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं उनको फोन नहीं कर सकती, वहां जाऊं इस वाक्य के बाद जिसमें फिजिकल असॉल्ट हुआ, इतने विटनेसेस, चले अगर आपकी बहन आपको सुन रही है तो आप उनसे क्या कहेंगे? जी मेरी उनसे दरखास्त होगी कि प्लीज इस बात का पता चलाएं, अगर मेरा सामान वहां पड़ा है और जुल्फिकार ने वहां रखवाया उनके बेटे ने, तो खुदारा मुझे वापस दीजिए, मुझे सामान मिल जाए तो मैं किसी के खिलाफ कोई केस नहीं करूंगी, अपना सामान मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत मुसीबत में उसके बगैर, हम फर्श पे सोते रहे, हमें बग्स काटे, बुरी तरह से काटे, मेरा जिस्म मेरे बेटे का जिस्म, अभी तक मेरा बेटा बीमार है, ही हैज अ स्निफ्स, ही हैज अ रनिंग नोज, इसका गला अभी जाके ठीक हुआ है, इसको सर्दी लग गई थी फर्श पे सोने की वजह से, हमने फिर अपने दरवाजे निकाले उनके ऊपर डाले तो मेरी बैक पीछे से बहुत हर्ट करने लगी, उस बैक की हर्टिंग की वजह से मैं गई थी एक डॉक्टर से, जब मशवरा किया उसने कहा इट कुड बी कैंसर जो सिम्टम्स थे, दूसरे से मशवरा किया उसने भी कहा आप फौरन पता चलाएं दिस कुड बी कैंसर, और हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आज मुझे फैसला करने के बजाय न्याजी से मुझे 2 करोड़ जो हाई कोर्ट ने उसे कहा है मेंस प्रॉफिट दो जीनिया को जो इसका किराया बनता है जितनी देर ये यहाँ था वो दिलवाने के बजाय फिर मुझे कहती हैं जॉय लॉयर करो, इनको अच्छी तरह पता है कि मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट की मेंशन, इनको ये भी पता है कि इसको बहुत से लॉयर पहले डिसीव कर चुके। अच्छा आपके घर की बिजली का क्या मसला है? बिजली बंद करके चले गए, मैं और मेरा बेटा 5 दिन बगैर बिजली के रहे, उसमें हमें बहुत ज्यादा मच्छर काटे। किसने बंद किया बिजली? वो ये नहीं पता चला, लेकिन STO के पास गए तो उसने कहा हमने बंद किए, हमने इसलिए बंद किए कि आपका बिल नहीं आया था, बिल क्या रोज एक महीने का 700-600 हमारा, क्योंकि एक बल्ब और एक पंखा हम जलाते हैं, वो खुदा की पनाह, डर के मारे वो STO ने काट दिया, STO ने काटी, उसको सुना न्याजी ने जाके रिश्वत दी। तो कितना बिल था जो आपने पे नहीं किया था?
न्याजी का बिल बना के सब कुछ बना के भी वो न्याजी का बिल क्या मतलब वो जब घर की पोजेशन मुझे दी तो बिजली का बिल मेरे ऊपर छोड़ गए थे कितना उस समय पर मेरे ख्याल में 20-25 हजार उनको पता था कि ये पे नहीं कर सकेगी गैस का बिल भी मेरे पे छोड़ गई पता था ये पे नहीं कर सकेगी तो मैं फिर आईएसको के पास गई और मैंने कहा आपने इसको जो मीटर दिया था मैं आपको किराए से पे कर सकती थी लेकिन इसने मेरा किराया उस मीटर में अपना नाम डाल के पूरी मार्केट में ये मशहूर कर दिया कि ये घर तो मेरा है बहुत शुक्रिया ज़ेनिया और उनके बेटे शाज़िब खान अब ये सख्त बीमार है मुझे डॉक्टर्स कह रहे हैं कैंसर के लिए डायग्नोसिस के लिए पता कराओ बेंच कह रहे हैं अनलिमिटेड पीरियड के लिए अर्जेंट है आपका केस फॉर द अम्पटींथ टाइम दिस इज आई थिंक द 12th टाइम अर्जेंट हुई और अब तो बेंच भी टूट गया एक जज साहब बताए बगैर कि क्या वजह है कि वो इम्तियाज अली गजलबाज मेरा रिश्तेदार होते हुए केस नहीं लेना चाह रहे ये नहीं बताया उठ के बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी किसे वकील करें किस से मुनसफी चाहें ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के हुकूमत इदारों निज़ाम का नहीं है ये मामला शायद एक बैन अल-अक़वामी निज़ाम का भी है कि अमेरिका के अंदर भी अगर इंसाफ नहीं है जो तो यहाँ पे बैठ के जो लोग अमेरिका की मिसालें देते हैं उनको ज़ेनिया सत्ती की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए अब ये स्टोरी जो आपके सामने है ये यकीनी तौर पे सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और शहरियों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के अवाम और शहरियों के लिए भी है और ख़ास तौर पे अमेरिका का जो निज़ाम अदल है जो हुकूमत है मेरे ख़्याल में उनको इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जहाँ पे वो ख़ुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं और जहाँ पे वो ख़ुद को सबसे बड़े अदल व इंसाफ का ऐवान समझते हैं या गढ़ समझते हैं वहाँ पे ज़ेनिया सत्ती जैसे लोग भी हैं और उनके बेटे राजा शाज़िब खान जो अमरीकी शहरी भी हैं और वहाँ अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ शाज़िब साइमनसन उनका नाम तो उनके साथ क्या होता रहा अब मालूम नहीं ज़ेनिया सत्ती के जो मसाइल हैं वो कैसे हल होंगे मगर फ़िलहाल ये जिस घर में रह रही हैं इस घर में ये रह तो रही हैं मगर रहने का वो सामान नहीं जो शायद हम आपको अब दिखा भी चुके हैं कि यहाँ पे बिस्तर नहीं है यहाँ पे बैठने को शायद कुर्सियाँ भी पूरी नहीं है और पानी भी नहीं है यहाँ पे और बिजली भी काफ़ी अच्छा बंद रही है और कोई तो है जो इनको ट्रैक करता है चेस करता है हरास करता है और बाज़ार उसकी वजह ये वो प्रॉपर्टी लगती है जो इनको विरासत में मिली है लगता ये है कि पराये तो क्या इनके अपने भी जो हैं इनका साथ देने को तैयार नहीं है और ये सबसे बड़ी शर्मनाक और अफसोसनाक बात है इस हवाले से हुकूमत को ज़रूर ज़ेनिया सत्ती और उनके बेटे की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये दोनों बहुत ही पढ़े लिखे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और ज़ेनिया आपकी स्किल्स क्या हैं जो हम मसलसल मुल्क की खिदमत कर रहे हैं जी मैंने एक अदारा बनाया पाकिस्तान पीपल ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करता है जब कोविड आया था तो हमारे वेबसाइट वाहिद था जिसने कहा था कि मास्क पहनना शुरू कर दिया था अभी अमेरिका का जो है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल उसने भी ये नहीं कहा था वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि क्लोरॉक्स पी और ये वो तो आप लिखती और कौन से मौजूदात हमने एडवाइजरी लिखी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हाँ वो कह रहा क्लोरॉक्स पी और हमने लिखा कि जी मास्क के बगैर कोई शहरी बाहर ना निकले अभी एनडीएमए के वेबसाइट पे भी एडवाइजरी नहीं आई थी अभी वर द फर्स्ट आपके बेटे अभी पीएचडी भी कर रहे हैं आप मेरा बेटा अब पीएचडी अब देखिए ना इसकी जो द बुक मल्टी हैज़र्ड रिस्क एनालिसिस उसके बाद सीरीज ऑफ आर्टिकल्स जो सब जगह पब्लिश हुए हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी पब्लिश हुए डॉन में भी पब्लिश हुए आपके बेटे ने लिखे हैं राजा शाज़िब खान पाकिस्तान ऑब्जर्वर में भी अभी न्यूज़ को किन सब्जेक्ट्स पे एनवायरनमेंट ही इज पैशनेट अबाउट अर्थ साइंस पैशनेट बचपन से था तो नाउ कैन यू टॉक कुछ बताना चाहेंगे आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में नहीं जी पीएचडी तक पहुंचने के लिए न्याजी बैठ के ना हमारे सब चीज पे और बेंच इनसे मेंस प्रॉफिट जो उन्होंने 2 करोड़ देना है हमें जो हाई कोर्ट की डिग्री है उसकी सुनवाई ही नहीं कर रहे नहीं वो देते तो अब ये पीएचडी तक चला गया होता मैं इसको फीस देती ये अपनी पीएचडी कर रहा होता मैं अपने घर में बिजली मकान सेट करके आराम से यहाँ रह रही हूँ हमारी जिंदगी नॉर्मल हो गई है PPLD for the last 4 years because the world is like in a state of crisis right now and there are three international
run long running international events that are putting great stress on Pakistan. This is that is the COVID-19 pandemic and its after effects, the war in Ukraine, and the crisis in Afghanistan after the Taliban took over. And that's affecting Pakistan for a few years now. And besides that, there's so many weather events happening, an uptick in extreme weather. It's like natural disasters happening all the time over the world, and Pakistan has certainly been affected. So, but you tell them how much you wrote about it, and that you also predicted the 2022 flood. He was the only one who predicted ki bahut bada. Where did you predict it? Kahan pe aapne? Well, as the 2022 monsoon season got underway, I looked at the signs and saw that they were very similar to what was present back in 2010 and 2011, the other years when big flood struck Pakistan. Where did you write your piece? So on July 16th, 2022, I published an article in Eurasia Review titled "One of the Biggest Natural Disasters of Our Time May Be About to Strike Pakistan." And it happened months later, month and a half or 2 months later. So, aapke article ke upar, did the NDMA or Pakistan government take notice? Did you talk to somebody in the government about it? No, they didn't. Pakistan mein humne kafi adaron ko alert karne ki koshish ki thi. Ek cheez hoti hai mati main yahan bata dun, usme sirf abhi 15 second hi aur lagenge. Aap to close kar rahe hain aap. Ab hamara jo program jab main likh ke deti hu kisi ko, jab main faujiyon ko likh ke dun to ISPR ka adara mujhe bulata hai, hamesha acknowledge karta hai. तो इससे एज अ शहरी आपको मुतमईन होते हैं, आपको खुशी भी होती है कि आपके काम की एक्नॉलेजमेंट हो रही है. लेकिन जब मैं अपने सियासतदानों की हुकूमतें जब होती हैं जिसमें जरदारी साहब के साथ तो काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ उन्होंने की, मैंने एक आर्टिकल लिखा था न्यूज़ में, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अफगानिस्तान, वो सुना है उन्होंने पढ़ा अनइंटरप्टेड. मेरा क्लास फेलो उनके साथ काम करता था प्रेसिडेंट हाउस में, और बहुत दिलचस्पी ली उसमें, और पूछा कि जीनिया सत्ती कौन है. लेकिन नवाज शरीफ साहब को लिख के दो दफ़ा मैंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन दिए हैं जो उन्होंने अपनाए तेज़ी के साथ, लेकिन कभी ना खत लिखते हैं ना एक्नॉलेज करते हैं, और दमड़ी देना तो दूर की बात. लेकिन ये कर रहे, तो अभी जो आप कह रहे हैं कि आपने बताया था इस सिलसिले में, हमने हर एक को अलर्ट किया था, और हम दंग रह गए. सिर्फ एनडीएमए के जो जनरल साहब हैं चेयरपर्सन, उन्होंने उस दिन एक कॉन्फ्रेंस में मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड से पूछा कि अगर ये लिख रहा है एक नौजवान और उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं कर सके. और उन्होंने इसमें बहुत दिलचस्पी ली और मुझे बुलाया. उसके बाद एनडीएमए ने इस नौजवान के लिए क्या किया? उन्होंने हमें बुलाया और हम जाएंगे. अभी तो मैं बीच में बीमार होगी ना जी, और कोर्ट में हमें कसीट के बिठा के मुझे और बीमार कर सुनते नहीं. दिस ईयर आई मेड अनदर सक्सेसफुल प्रेडिक्शन एंड थैंकफुली दिस वन वाज अ पॉजिटिव वन. दिस ईयर मानसून वाज अ थ्रेटनिंग वन, बट इन लेट जुलाई आई रोट अनदर आर्टिकल इन यूरेशिया रिव्यू पब्लिश ऑन आई थिंक 28 जुलाई एंड आई थिंक इट वाज टाइटल्ड व्हाट टू वॉच आउट फॉर दिस मानसून सीजन. एंड इन इट आई पॉइंटेड आउट दैट La Nina has ended, El Nino is now underway, and global meteorologists are saying that right now there is a zone of dryness of below average monsoon rainfall in the Western Pacific in regions like the Philippines and Vietnam, even as areas in Pakistan and Afghanistan and Northwest India are still having above average rainfall. And I pointed out that perhaps it's the upcoming El Nino that's causing the dryness, and that it could extend westward towards South Asia, and this could result in a decrease in monsoon rainfall in Pakistan in August. And indeed that came to pass. Mm-hmm. And so I think that's what spared Pakistan a big flood this year. That's great. आपने सुना राजा शाहजेब खान बहुत बड़ा एसेट हैं, यंग हैं, शायद पाकिस्तान के माहौल में ऐसे टैलेंटेड लोग फिट नहीं हो सकते, मगर बदकिस्मती यह है कि ऐसे टैलेंटेड लोग अमेरिका में भी फिट नहीं हो सकते. बहुत सारे हालात ऐसे हुए जो शायद राजा शाहजेब या ज़ैनिया सत्ती के कंट्रोल में नहीं थे, और हालात की जो जड़ है वो सिर्फ एक शख्स था जो शायद अमरीकी हुकूमत के लिए काम कर रहा था, और शख्स ने ये भी नहीं देखा कि वो कितने बच्चों की, कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है.
क्योंकि वो इस नोयत का काम कर रहा था जो उसके नज़दीक बहुत सी इंसानी जिंदगियों से ज़्यादा आम होती हैं। मगर क्या हमारे मुल्क में हमारे इदारे भी कुछ जगहों पे ऐसी ही नोयत का काम नहीं कर रहे? इसमें सिर्फ कानून और इदारों के लिए सबक नहीं है, इसमें बतौर इंसान भी हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि रियासत के मफादात जो हैं उनके ऊपर इंसानियत को कुर्बान नहीं कर देना चाहिए। मतीउल्लाह जान, MJTV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।